بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل له أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا لا يعقلون شيئا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء كمثل الذي ينعق بما لا إلا دعاء ونداء صم بكم عمي لا يعقلون صم بكم عمي فهم لا يعقلون صدق الله العظيم. سبحان الله. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں, ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے.
भला अगरचे उनके बाप दादा कुछ भी ना समझते हो और सीधे रास्ते पर ना भी हो, तब भी वो उन्हीं की तकलीद किए जाएंगे। जो लोग काफिर हैं, उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जो किसी ऐसी चीज को आवाज दे जो पुकार और आवाज के सिवा कुछ न सुन सके। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि कुछ समझ। तमाम निजाम दुरूद और सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल और उनके अस्हाब पर। टेलीविजन सेट्स के सामने बैठे तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम, और आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ आवरी का। हमें अंदाज़ा है शहर में एक बड़ा हब्स का माहौल है, एक घुटन का माहौल है, अच्छी खबरें कम हैं, लेकिन ऐसे में जब आप लोगों के हम जरा हंसते खेलते मुस्कुराते चेहरे देखते हैं तो हमारी बड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। कारी वही जफर कासमी साहब, आलमी शोहरत याफ्ता नात खां कारी ने हमारी इस बज़्म का बाकायदा आगाज किया। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं एक और आलमी शोहरत याफ्ता नात को शायर जनाब सबीहुद्दीन रहमानी साहब, उनसे भी कलाम सुनेंगे। कुछ लम्हों के लिए हमारे साथ वाया स्काइप कनेक्शन हमारे एक मेहमान भी मौजूद होंगे, और उससे पहले दिल हमारे सबके दुखी हैं। ये बड़ा अजीब व गरीब अनाउंसमेंट है जो जुनैद भाई ने करना है, लेकिन अब हैं हालात इस तर्स के कि हमें नहीं पता था हम शायद रमज़ान के पिता इशरे में इस तर्स का ऐलान भी कर रहे होंगे, लेकिन ये है ये ऐलान जुनैद भाई का, और उसके बाद फिर हम ज़रा आगे बढ़ाते हैं गुफ्तगू। जी वसीम, ये एक टेलीफोन नंबर है ख्वाजा गरीब ट्रस्ट, ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट का 02134131792। तो इनकी तरफ से ऐलान है कि अगर शहर में खबर नहीं मिल रही अपने किसी रिश्तेदार के लिए, इस नंबर पर फोन करें 02134131792। ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट वालों का ये कहना है कि आप आए, हम आपकी मदद करेंगे और बगैर किसी खर्चे के आपके लिए कब्र का बंदोबस्त किया जाएगा। आज मेरी कुछ उलमाए किराम से वसीम बात हो रही थी, मेरे बड़े मोहसिन भी हैं, बड़ा ताल्लुक भी है मेरा उनसे, मौलाना ताहिर शफी साहब भी और उनके साथ के कुछ और उलमाए किराम भी, हम बैठे हुए थे तो मैं बैठा हुआ था तो उनका मुझे फोन आया, मुझसे कह रहे थे कि कराची के सारे माहौल पर ये हजरात बड़ा अफसोस कर रहे थे। तो फरमा रहे थे कि लोगों से ये कहो कि जो हमारे मजदूर, खास तौर पे जो हमारा पठान तबका है, दीनदारी का एक ज्यादा माहौल है वहां पर, तो रोजा छोड़ने का इनके यहां तस्वीर ही कोई नहीं होता। अब ये रोजाना सुबह बाहर निकलकर अपने हाथों से काम करते हैं और घर में बच्चे बैठे हुए होते हैं, भाई अगर खुदा ना करे अल्लाह ना करे डिहाइड्रेशन हो गई और मौत वाकई हो गई तो कजा भी नहीं अदा कर सकते और बच्चों को भी तकलीफ। तो फरमा रहे थे भाई के उलमाए किराम की तरफ से ये पैगाम दो लोगों को कि लोग ये अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी, अगर डिहाइड्रेशन महसूस करें, अगर ये एहसास हो कि मैं बेहोश होने वाला हूं, फौरन पानी पी लें और बाद में अपनी कजा कर लें। तो ये मैं पैगाम देना चाह रहा हूं सारे सुनने वालों को कि भाई अपनी जान बचाना फर्ज है, जान बचाना रोजा फर्ज है लेकिन जान बचाना फर्ज है, इसलिए मेरे भाइयों इसमें कोई बड़ी आर नहीं, बाद में कजा अदा कर लीजिएगा। स्काइप पे हमारे साथ जी हां मौजूद हैं, आइए देखते हैं कौन है मौजूद हमारे साथ स्काइप पर। दिखाइए जी कौन है और कहां से हैं। जी बहन अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं आपकी तबीयत ठीक है? जी मैं ठीक भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से हैं बहन जरा बताइएगा? मैं ऑस्ट्रेलिया पर्थ से बात कर रही हूँ। ओ माय गॉड, ओ दुनिया का पिछवाड़ा पर्थ, गर्म शहर बिल्कुल। कैसी हैं आप और वो वहाँ पर रोजे कैसे चल रहे हैं? अल्लाह का शुक्र यहाँ पे रोजे बहुत अच्छे हैं, हमारे रोजे ठंडे हैं, रोजों का पता ही नहीं चलता। ये आपको पता है कि इस वक्त वहाँ सर्दी हो रही है? पता है आपको वहाँ शदीद सर्दी हो रही है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर? ये कुछ अल्लाह का जी, आज हमारा 3 डिग्री सेंटीग्रेड है इस वक्त। अच्छा, तो एक थोड़ी सी सर्दी भिजवा दो इधर हमारे पास, थोड़ी सी गर्मी ले लो हमसे, कुछ इस तरह कर लो। आपको पता है काफी लोग यहाँ कराची के शहीद हो गए इस गर्मी के अंदर। तो वहाँ आप लोग कितने बजे सहरी करते हैं?
हम अभी सहरी कर चुके हैं और अभी हाफ एन आवर है अजान होने में, और आज हमारा बहुत दिन रोजा अच्छा नहीं गुजरा, बहुत परेशान थे मेरे अम्मी अब्बू और सब फैमिली कराची में ही हैं, तो बहुत परेशान थे, आज सबसे बात की और बहुत हमने उनके लिए दुआ की। चलिए आप हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, पर्थ बहुत अच्छा शहर है। मेरी एक बहन होती है वहां पर अमीरा के नाम से, और एक मौलाना है मौलाना बुरहान साहब, जो अपना वहां पर जनरली जो लोग बाहर से आते हैं उनका बड़ा एहतमाम करते हैं। सबको सलाम कहिएगा आप, और हम सब की तरफ से जो देखने वाले हैं आपको बहुत बहुत रमजान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी सभी भाई, मिजाज क्या सुनाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। शुरू करें? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हम मुंतजर हैं। वो जिसके लिए आपने हुक्म दिया, और आज माशाल्लाह मिलकर पढ़ने का मौका भी है, और साथ वसीम हो तो फिर मुझे ये कलाम पढ़ना नहीं पड़ता, सुनना पड़ता। वाह वाह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मिलकर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, काबे अल्लाह हो अकबर अल्लाह।
के तालिब पे अपना करम कर अल्लाह हो अकबर अल्लाह हो अकबर अल्लाह हो अकबर अल्लाह हो अकबर सुभान अल्लाह सुभान सुभान बात और वो नार जिसके लिए आज पाबंद कर दिया रहु भाई ने मुझे हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो किसके कहे कि सुन ली जाए सलाम के Stay.
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जजाक अल्लाह बहुत नवाजिश सभी भाई। और इंशाल्लाह अभी रमज़ान में बड़े दिन हैं, मतलब शान रमज़ान के भी मज़ीद और एपिसोड्स हैं। वक्तन फवक्तन हम ये सआदत हासिल करते रहेंगे कि सभी भाई यहाँ आते रहें और इंशाल्लाह महफिल को मज़ीद मुनव्वर करते रहें। इसी दुआ के साथ ब्रेक पर जाते हैं कि मैं सिर्फ देख लूँ एक बार सुबह तैबा को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। माशाल्लाह एक वक्त के बाद आते वाह वाह वाह। शान इल्म में खुश आमदेद। यकीनन हम सब के दिल दुखे हैं, हम सब के दिल धड़क रहे हैं उन लोगों के साथ जो कि सानह कराची का शिकार हुए। लेकिन हमारी ये पूरी ट्रांसमिशंस इन्हीं के नाम है। आज हमने इसीलिए शान अफ्तार में नहीं किया था अपने क्विज का सेगमेंट। अभी आइडिया सिर्फ ये है कि हमने अपनी खुशियाँ अपनी मुस्कुराहटें भी सब कुछ उन्हीं के नाम की हुई हैं। ये एक ऐसा सेगमेंट है कि जिसमें हम थोड़ा हंस खेल भी लेते हैं और अपनी मालूमात में भी इजाफा कर लेते हैं, इसलिए शान इल्म है आज की नशरियात का भी हिस्सा। शान इल्म के आज के हमारे तीन पार्टिसिपेंट्स हैं जनाब, और इसके अलावा विनर्स के लिए भी हैं ढेर सारे इनामात। तो हमारी आज की पहली टीम है कैस्बिट से हिना हफीज और हफ्सा हफीज। दूसरी हमारी टीम है PCHS कॉलेज से जवेरिया सिद्दीकी और सोबिया सिद्दीकी, और PF कीट से हैं मोमल बोगियो और मुर्तजा अली बोगियो। हमारे तीनों मेहमानों के लिए बहुत सारी तालियां तीनों टीम्स के लिए। आज के तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए तोहफा है क्यू मोबाइल का, ब्रिज पावर का, कर्शी का, हाई स्पीड का। आज के विनर के लिए है जनाब वन एप्पल की जानिब से एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, और आज का विनर क्वालिफाई करेगा शान इल्म के फाइनल राउंड के लिए। और शान इल्म का जो फाइनल राउंड का विनर है उसके लिए तोहफा है इनके अकब में खड़ी क्यू मोबाइल की गाड़ी। ओह माय गॉड। पहला राउंड तीन सवालात तीनों टीमों से बारी बारी, जिससे सवाल किया जाएगा सिर्फ वही जवाब दे सकता है। तो अगर आपको जवाब आता भी है तो कोई इसका फायदा नहीं है। 10 नंबर्स हर सही सवाल के जवाब पर, गलत जवाब पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप लोगों ने मेरा साथ देना है जरा तालियों और काउंटडाउन की सूरत में, लेकिन जवाब देने की सूरत में किसी का साथ, थैंक यू, किसी का साथ। अच्छा मुझे लगा किसी ने कहा कि देना है। टीम ए से हम करते हैं आगाज, शुरू करें जी। तीन सवाल होंगे आपसे। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी आराम गाह कहां वाके है? माइक हाथ में लेके जवाब दीजिएगा। कराची में। कराची में, अच्छा ठीक है। सही है, मैं कुछ और समझ, ठीक है। चलिए जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, तालियां बजा दे। आप ये तो नहीं सोचे गुरु मंदिर के करीब? मैं वो ज्यारत रेजिडेंसी और उस सवाल की तरफ जाना चाह रहा था, मैंने फिर खुद ही अपना सवाल चेंज कर दिया है। बिल्कुल ठीक है जनाब। अच्छा, कायदे आजम की आखिरी आराम गाह जो थी, यानी कि उनकी जिंदगी के जो आखिरी अयाम जहां गुजरे, यानी कि कायदे आजम रेजिडेंसी जो कि जियारत में है, जियारत कहां वाके है? सूबे में। असल सवाल ये था मैंने वो सूबा, लेकिन ठीक चलो सूबा बता दो। किस सूबे में वाके भाई वसीम? बहुत आसान सवाल, टू मच। अगर इनको नहीं पता ना तो ये भी कैंसिल करो, तो पिछले 10 नंबर भी काट दें, फौरन कैंसिल करो। जनाब ऑडियंस का काउंटडाउन शुरू होने वाला है जी। सिंध में। कभी आपने कभी अपने बुजुर्गों की ज़ियारत की है कि नहीं की है?
زیارت تو میں نے خود بتا دیا. اچھا اچھا. اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ زیارت ہے, صرف صبح بتا دیں. اچھا. تو بھی انہوں نے سندھ کر دیا. او میرے, کہاں ہے جی بتائیے, ویسے بتائیے. بلوچستان میں ہے جی زیارت ریزیڈنسی, کوئٹہ کے پاس. جواب ہو گیا غلط. شاعر مشرق علامہ اقبال پیدا ہوئے سیالکوٹ میں. علامہ اقبال کے علاوہ ایک اور مشہور شاعر بھی سیالکوٹ میں ہی پیدا ہوئے. کون؟ اقبال کے علاوہ ایک اور مشہور شاعر جن کی پیدائش ہے سیالکوٹ کی. جناب باجی ہنا اور باجی حفصہ میں مشورہ جاری ہے. باجی حفصہ کانفیڈنٹ ہیں, باجی ہنا مسکرا رہی ہیں. حفصہ کہہ رہی ہیں تم بتاؤ, ہنا کہہ رہی ہیں نہیں تم بتاؤ. سلیم اللہ سے کلیم اللہ, جلدی بتائیں ورنہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا. کاؤنٹ ڈاؤن. چلو فائیو. کسی شاعر کا نام لو ذرا, کسی شاعر کا نام. بندہ تکا ہی لگا دیتا ہے, شاید صحیح ہو جائے. کوئی شاعر اگر آپ کہتی تو کیا کہتی بتائیں. باجی ہنا باجی حفصہ سے, کسی شاعر باجی حفصہ باجی ہنا سے. سرفراز احمد ہیں؟ سرفراز احمد وہ جو کرکٹ پلیئر ہے. سرفراز احمد, سرفراز نواز, سرفراز نواز. پھر فیض احمد فیض. اچھا وہ سرفراز احمد فیض احمد فیض وہ مکس ہو گیا. اگر آپ یہ تکا جو آپ نے اپنے طور پہ مارا تھا یہ کاؤنٹ ڈاؤن سے پہلے مار دیتے ہیں آپ کا کیا جاتا. اس لیے کہ یہ جواب ٹھیک ہے, لیکن میں گیمز رول کے تحت پابند ہوں کہ کاؤنٹ ڈاؤن کے بعد جواب نہیں دیا جا سکتا. تو آپ کا یہ جواب ہو گیا غلط, اور ہم آپ سے کہتے رہے تکا مار دیں. تین میں سے آپ ایک سوال کا جواب دے پائی ہیں. ٹھیک ہے جناب, اگلے تین سوالات ہیں ٹیم بی سے, باجی جویری اور باجی سوبیا سے. ابو البشر کسے کہا جاتا ہے؟ چل تو اتنا آسان سوال ذرا آگے کا تھا, مشکل تھا, میں نے اس کو یہیں پہ روک لیا. ابو البشر کسے کہتے ہیں؟ دکھانا اسے. حضرت آدم علیہ السلام. ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. گڈ. ابو العرب کسے کہتے ہیں؟ دھیان سے اس کا جواب بھی آتا ہے آپ کو. باجیوں میں مشورہ جاری. چلو ایک ایک ہنٹ دیتا ہوں کہ نبی ہیں. ٹھیک ہے بتا دیں گے یار, ایسے ہی جنید بھائی. نہیں پتہ نہیں, ان کو نہیں پتہ چلے. اچھا ہاں, میرا نہیں خیال ان کے پاس جواب ہوگا. تمہیں معلوم ہے؟ ابھی پوچھوں گا تم سے, ابھی نہیں بتانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام. آہا غلط ہو گیا جواب. ابو العرب حضرت اسماعیل کو کہا جاتا. السلام کو کہا جاتا. جواب ہو گیا غلط. پاکستان کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی کا نام ISI ہے. ISI کن الفاظ کا مخفف ہے؟ خطرناک سوال. ارے یہ تو آتا ہوگا. عسکری نوعیت کا سوال. حساس امور پر باجی جویریا اور باجی صوبیا کا اعلی سطحی اجلاس جاری ہے. نہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, بول نہیں رہے ایک دوسرے سے. چونکہ ISI کا معاملہ ہے کوئی جواب دینے کو تیار نہیں, کوئی بھی یہ رسک لینا نہیں چاہتا. باجی جویریا انتہائی سنجیدگی سے باجی صوبیا سے دیکھتے ہیں. پہلے آئی کا بتا دوں. انٹر. یار انٹر ہمیں بھی آ رہا ہے. انٹر ہمیں بھی آ رہا ہے. کون آرام ہے؟ اچھا انٹر تمہیں بھی آتا ہے؟ ہاں انٹر انہیں بھی آتا ہے. اب ہے آرام ہے آپ کو کچھ تسلی ہوئی؟ ہاں انٹر سروسز انٹر سروس انویسٹیگیشن. انٹر سروس انٹر سیکیورٹی انویسٹیگیشن. انٹر سروسز. چلے میں آپ کو اتنی ہنٹ دے رہا ہوں, انٹر سروسز تک ٹھیک ہے. بتا دیجئے آئی سے کیا آتا ہے. آخری چانس بتا دیجئے. دو ورڈ بتا سکتی ہوں جی؟ دو ورڈ بتا. چلو بتاؤ دو ورڈ. کیا ہو رہے ہیں؟ چلو بتاؤ بتاؤ بتاؤ. انٹیلیجنس یا انویسٹیگیشن. ایک بتائیں ایک بتائیں. کیا سر؟ انٹیلیجنس. انٹیلیجنس یا انویسٹیگیشن. ہاں کون سا ہے بتائیں جلدی. انٹیلیجنس. سوچ لیں. ارے وسیم چلو اب تو یار اتنا تو کر دو. ان کے لیے بہت ہی مشکل تھا. آپ سے دو سوالات کیے میں نے. تیسرا سوال ہے, یہ تو بڑا آسان سوال ہے. ہے جی تین سوالات ہو گئے. پکی بات ہے؟ تو مجھے بتایا نا, میں اس لیے تو پوچھ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں جی دو سوال ہو گئے, آپ کہہ رہے ہیں جی تو تین سوال ہو گئے. تو آپ نے دیے, پہلی ٹیم نے دیے تین میں سے ایک سوال کا جواب, تھینک یو جی. اور دوسری ٹیم نے دیے ہیں تین میں سے دو سوالات کے جواب. آپ کے نمبر ہو گئے ہیں 20. جناب علی تیسرا پہلے راؤنڈ کا, چلو شاباش. تیسرا سیگمنٹ جو بھی کہہ لیں آپ کے لیے. دو دن قبل
या कुछ रोज कबल कह लीजिए, एक मुल्क की क्रिकेट टीम ने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीत कर इंडिया से एक रिकॉर्ड छीन लिया। पाकिस्तान, पाकिस्तान की टीम ने सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस जीतकर एशियन टाइगर इंडिया से ये रिकॉर्ड छीनकर अपने नाम कर लिया। श्रीलंका से गोल्ड टेस्ट जीतकर पाकिस्तान ने ये रिकॉर्ड बनाया था। अजीब। पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है वो उसमें प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट, इसको कहते हैं पार्लियामान। तो सेनेट को अपर हाउस भी कहा जाता है। ये बताइए कि अमेरिका का जो पार्लियामान है यानी कि कांग्रेस, उसके अपर हाउस को क्या कहते हैं? मासूमाना सवाल है। बहुत अमरीकी पार्लियामान यानी कि कांग्रेस के हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो हाउस ऑफ, अमरीकी पार्लियामान यानी कांग्रेस के ऐवाने बाला को भी सेनेट ही कहा जाता है। ये हो गए दो सवाल। वसीम भाई ने ना कंफ्यूज ऐसा किया आपने कि मैंने कंफ्यूज किया, मैंने तो सवाल पूछा ऐसे। ये होता ही कंफ्यूजिंग है बेटा, ये होता ही कंफ्यूजिंग है। इल्जाम नहीं, इल्जाम मुझ पर धांधली का इल्जाम है। टफ, दूसरों के सवाल आते हैं अपने नहीं आते इसमें। हाँ है ना। चलो तीसरा सवाल बहुत आसान आ गया आप पर। पाक फौज पाकिस्तान के कबाइली इलाकों में दरिंदा सिफत दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ है। ऑपरेशन का नाम ज़र्बे अज़्म। इससे आसान सवाल हो सकता है? ऑपरेशन ज़र्बे अज़्म, बिल्कुल ठीक। तो पहले राउंड के अख्तिताम पर टीम ए के हैं 10 नंबर्स, जबकि टीम बी और टीम सी के दरमियान मुकाबला बराबर है 20-20 नंबर्स लेकर। जनाबे अली, दूसरा राउंड जो है इसमें मैं आगाज करूंगा अगेन टीम ए आपसे। कर लूं आपसे आगाज? कोई इतराज तो नहीं? मेरी हमदर्दियां वैसे इसी टीम से हैं। जिस सेगमेंट को आप बताएंगी, जिस शोबे का आप बताएंगी, मैं उससे आपसे करूंगा सवालात। वो जनरल नॉलेज भी हो सकता है, वो स्पोर्ट्स भी हो सकता है, वो इस्लाम भी हो सकता है, और वो पाकिस्तान भी हो सकता है। बताइए, इस पर भी मशवरा किया जा रहा है। इस्लामियत। शुक्रिया। इस्लामियत। आदमे सानी किस पैगंबर को कहा जाता है? इजी है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अरे आदमे सानी भाई, आदम है। फिर सोच के बोलो जल्दी से भाई, चांस तो खत्म हो गया ना। खत्म हो गया वसीम, खत्म हो गया। दे दो वसीम भाई, पहले ही बेचारे कमजोर हैं। चलो एक सोच के बोल दो, बोलो। आदमे सानी कह रहे हैं वसीम भाई, जल्दी बताएं। काउंट डाउन शुरू हो गया है। 5 तूफान, तूफान, बड़ा तूफान आजकल आ रहा है। गलत, अब तो हो गए 3-2 तुक्के मार दिए दूसरी टीमों को, उस पर एतराज। आदम सानी हजरत नूह को कहा जाता है। अरे कह रहा हूं तूफान, तूफान। मेजबान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाह वाह, गुड क्वेश्चन। किस सहाबी को कहा जाता है? गुड क्वेश्चन वसीम, थैंक यू सर, गुड क्वेश्चन। मेजबान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इनको ये नहीं पता तो फिर बुरी बात है। हजरत अबू बकर। मेजबान हजरत अबू बकर, जवाब हो अबू तक सही है। ऊंटनी बताएं, हिंट हो गई ना? लो बहुत बड़ी हिंट हो गई है, हिंट दे दी। ऊंटनी मदीने में ऊंटनी किसके घर रुकी? बस बस भाई, वो भी नहीं पता होगा। बाजी जवेरिया मेरी हिंट पे तकरीबन उछल पड़ी, मुझे लगा फानूस से टकरा जाएंगी, इतना उछली। मदीने में ऊंटनी किसके घर रुकी? काउंट डाउन 5। हजरत अबू तालिब। हजरत अबू तालिब, गलत। सही जवाब है हजरत अबू अय्यूब अंसारी। ये बहुत आसान सवाल था। 2 सवाल हुए आपसे। हजरत शीस किस पैगंबर के साहबजादे थे? माशाल्लाह जनाब। देखो जवाब, हजरत ज्यूरी में मैंने पेश कर दिया है, हजरत आदम के जवाब बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी तालियां दी जनाब अली। टीम बी की जाने बढ़ते हैं। बताइए, आपसे 3 सवाल स्पोर्ट्स से किए जाएं, जनरल नॉलेज से, इस्लामिक स्टडीज से, या पाकिस्तान स्टडीज से? बताइए जनाब। इस्लामिक स्टडीज। अगेन इस्लामिक स्टडीज, ऑल राइट। और इनके नंबर्स कितने होंगे? आपने 3 में से कितने सवाल के जवाब दिए? 1 का, इसलिए आपके नंबर 20 है। ओके, हजरत शाह वलीउल्लाह ने कुरान करीम का तर्जुमा किया किस जबान में किया था? फारसी। बिल्कुल ठीक, फारसी में किया था। अबुल अंबिया किस पैगंबर को कहा जाता है? अबुल अंबिया, ध्यान से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अबुल अंबिया यार, हजरत इब्राहिम। जो आपकी मर्जी वसीम, मैं होता तो नहीं देता इसका, 0 देता इस पे। थैंक यू।
इतनी मुश्किल में आप मुझे डाल देते हैं और उसके बाद नहीं. अब लेकिन मसला है कि चूंकि हमने उन्हें एक चांस दिया है, दिया है, तो फिर इसलिए एक चांस इन्हें असल में मैं तो यही चाह रहा था तुम चांस दे दो. हजरत इब्राहिम जो आप सही मान लेते हैं, एक चांस उनको मिला था तो इनको भी बहुत सारी तालियां. किस लेकिन बस ये एक चांस हो गया, बस अब एक एक चांस है सबके पास. किस पैगंबर ने 180 शहर बसाए थे? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम. हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, ये मुझे नहीं पता था. वेरी नाइस. जनाब अली टीम सी, आप बताइए कि आपसे किस शोबे से सवालात किए जाएं? पाकिस्तान. पाकिस्तान जिंदाबाद. उफ, इतना आसान सवाल आ गया है कि अब हिंट की गुंजाइश. मासूमाना, मासूमाना सवाल है, इंतहाई मासूमाना सवाल है. अल्लामा इकबाल किस मस्जिद के जेरे साया मदफून है? बादशाही मस्जिद. बादशाही मस्जिद लाहौर. सिराजुद्दीन किस मुगल बादशाह का असल नाम था? सिराजुद्दीन, जिंदगी इसमें हिंट इतनी नहीं हो सकती क्या? हमने ये तो बता दिया कि मुगल बादशाह था तो वैसे ही बड़े महदूद हो गए हैं सारे. वो भी तो इतने सारे. अरे कितने, कोई कौन से, कोई लाखों करोड़ों है यार. सिराजुद्दीन. एक काम करो जल्दी से सबके नाम. बाबर है जी. बाबर. बाबर आपके भी फ्रेंड बाबर है कौन है? अरे वो तो जहीरुद्दीन थे. नहीं पास. आखिरी ताजदार कौन थे मुगलिया सल्तनत के? चलो आखिरी का नाम क्या था? अकबर. अकबर. आखिरी कौन थे बताएं? बहादुर शाह जफर. हिंट दे दी, अब हिंट्स बराबर हो गई सबकी. कोई शिकवा ना करे, अब कोई बदवा ना दे हमें. दिस वाज वेरी इजी. दिस वाज वेरी इजी. इसके बाद वेरी इजी हिंट थी. पाकिस्तान के पहले वजीर दिफा का नाम बताइए. पाकिस्तान के पहले वजीर दिफा जल्दी से बताइए जनाब. नो आंसर. कोई तुक्का भी नहीं मारना. पाकिस्तान के पहले वजीर दिफा वही थे जो वजीर आजम भी रहे पाकिस्तान के, लियाकत अली खान. अच्छा. जवाब हो गया गलत. दो राउंड इख्तिताम पजीर हो चुके हैं. टीम बी के, टीम ए के 20 नंबर्स, टीम सी के 30 नंबर्स. टीम बी लीड कर रही है 50 नंबर्स के साथ. लेकिन ये जो हमारा आखिरी राउंड है ये बड़ा जालिम राउंड है. इसमें काया पलट जाती है क्योंकि इसमें एक मिनट है मुस्तकिल. एक 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 मिनट रैपिड फायर राउंड है. सही जवाब पर 10 नंबर, गलत जवाब पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है. आप जब तक पास नहीं कहेंगी मैं अगले सवाल पर नहीं बढ़ूंगा. मशवरा यह है कि अगर जवाब ना आता हो या तुक्का मार दीजिएगा या पास कह दीजिएगा. शुरू किससे करें? आपसे करते हैं. टीम सी से शुरू करते हैं. बिस्मिल्ला. शिमला भारत का एक शहर है. शिमला की पहाड़ियां पाकिस्तान के किस शहर में है? पास. एबटाबाद. ठंडियानी नामी तफरीही मकाम किस शहर में है? एबटाबाद. बिल्कुल ठीक. फातिमा जिनाह का इंतकाल किस शहर में हुआ? कराची. बिल्कुल ठीक. मलका बिल्कीस का वाकया किस पैगंबर से मंसूब है? गुड क्वेश्चन. पास. हजरत सुलेमान मस्जिद अक्सा किस शहर में है? फलस्तीन के. बैतुल मकदस. युगेंडा किस बड़े आजम में है? अफ्रीका. ठीक. भारत की करेंसी का नाम? रुपया. बिल्कुल ठीक. बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में है? पिशावर. बिल्कुल ठीक. शेख अहमद सरहंदी तारीख में किस नाम से जाने जाते हैं? पास. हजरत मुजद्दिद बैतुल मकदस का दूसरा नाम? जेरूसलम और मस्जिद अक्सा. ठीक. हजरत सुलेमान का हजरत दाऊद से क्या रिश्ता है? पास. बाप बेटे का सफीउल्लाह किस पैगंबर का लकब है? पास. हजरत आदम. वेल प्लेड, वेल प्लेड. अपना स्कोर बढ़ाकर 90 तक ले गए हैं. 90. अपना स्कोर बढ़ाकर 90 तक ले गए हैं. वेल डन, वेल डन. बाजी जवेरिया की टीम में तश्वीश की लहर दौड़ गई. जबकि बाजी मोमल ने इस पर मजीद एतमाद का इजहार किया है. 90 इज गुड. तो आज से खेले जी टीम ए. कोई एतराज तो नहीं आपको? मैंने कोई ऐसी गलत बात तो नहीं? फिर आपने इतना गुस्से से क्यों देखा मुझे? क्या मतलब इसमें ऐसी क्या बात है? अच्छा जी शुरू करें जी. इसमें पता चल जाएगा कि आप इधर हैं या उधर हैं. सफीउल्लाह किस पैगंबर का लकब है? हो गया है सॉरी. सूरज, 3 सेकंड आपको और दूंगा. सूरज किस सम से निकलता है? मशरिक. ठीक. एमबीबीएस किन अल्फाज का मुखफ्फफ है? मेडिसिन बैचलर्स. टाइम वेस्ट ना करें यार. ओके. परहेज किस चीज से बेहतर है? इलाज. बिल्कुल ठीक. जमीन पर अगर किसी चीज का वजन 10 किलो है खला में कितना होगा? 0. कुछ नहीं होगा. ठीक. बच्चों के प्रोग्राम टॉम एंड जेरी में जेरी किसका नाम है? माउस.
चूहे काठी मशहूर बुजुर्ग शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मजार कहां है? लाहौर। बगदाद। गलत। गजल का पहला शेर क्या कहलाता है? रिपीट करें। गजल का पहला शेर क्या कहलाता है? मिसरा। गलत। मतला आखिरी शेर इसमें शायर का नाम होता है, क्या कहलाता है? पास। मक्ता। गलत। कदीम शहनशाहियत अब तक किस मुल्क में है? लाहौर। कदीम जापान। तुम शहनशाहियत बादशाहत दुनिया में इस वक्त किधर है? सबसे दुनिया में बादशाह इस वक्त कहां है? है, है, है। मैंने आपसे एक सवाल रिपीट कर लिया था, लेकिन अगर मैं आपको 3 सेकंड और दे भी देता हूं और आप एक सवाल का जवाब दे भी देती हैं तो भी आपके नंबर हो जाएंगे 70, जबकि पड़ोस की टीम के नंबर हो गए हैं 90। बाजी जवेरिया थोड़ा सा जरा काम खराब हो गया, कोई ऐसी बात नहीं, थाम के जरा, हम भी बहुत हारे हैं माशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं। चले जी, अब मुकाबला है टीम बी और टीम सी के दरमियान। टीम सी के हो गए हैं 90 नंबर्स, टीम बी के हैं 50 नंबर्स, जिसका मतलब यह हुआ कि अब जब मैं रैपिड फायर राउंड शुरू करूंगा, जिस लम्हे टीम बी ने 5वें सवाल का जवाब दे दिया वो आज का यह मुकाबला जीत जाएगी, क्यू मोबाइल के कार की उम्मीदवार बन जाएगी। बिस्मिल्लाह। तुम मुझे अच्छी माएं दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा, किसने कहा? नेपोलियन बोनापार्ट। बिल्कुल ठीक। मशहूर सैयाह मार्को पोलो का ताल्लुक किस मुल्क से था? इटली। बिल्कुल ठीक। रेड स्क्वायर किस शहर में है? रेड स्क्वायर किस शहर में है? रूस। अनारकली का असल नाम? पास। नादरा बेगम। साल का सबसे तवील दिन कौन सा होता है? 22 जून। 21 जून। CIA किन अल्फाज का मुखफ्फफ है? पास। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी कॉन्फ्रेंसिस का शहर यूरोप के किस शहर को कहते हैं? बिल्कुल ठीक। इमाम अबू हनीफा का असल नाम? पास। नोमान बिन साबित वो कौन सी सूरा है जो एक पहाड़ के नाम पर है? सूरह तूर। बिल्कुल ठीक। बॉक्सिंग का एक मुकाबला कितने राउंड पर मुश्तमिल होता है? 15। 15 राउंड पर। वाह 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 वाह, जबरदस्त, बहुत सारी मुबारकबाद। वन एप्पल के डेस्कटॉप कंप्यूटर की आप हकदार करार पाई, दीगर इनामात आप सब लोगों के साथ जाएंगे और साथ ही आप क्वालिफाई कर गई हैं क्यू मोबाइल की इस कार के लिए, बहुत सारी तालियां, जबरदस्त। हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। प्यारे नबी मेरे नबी, प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनियाओं दी, ए नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनियाओं दी, तू ही शफाअत कियामा ए रहमतुल आलमीन। ए नबी प्यारे नबी, अगर मेरे साथ पढ़ेंगे तो मजा आएगा। ए नबी प्यारे नबी, मेरे नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनियाओं दी, तू ही शफाअत कियामा ए रहमतुल आलमीन। ए नबी प्यारे नबी, देख ले मुझको जरा, तेरे दर पे हूं खड़ा, देख ले मुझको जरा, तेरे दर पे हूं खड़ा, तेरे इश्क में रहूं रात दिन, मेरी तो है बस ये दुआ। ए नबी प्यारे नबी, मेरे नबी प्यारे नबी, कोई नहीं तुझसा नहीं, ए रहमतुल आलमीन। ए नबी प्यारे नबी, बातें सबा उनको
फते सबा उनको पता इस दर्द की है क्या दवा, मैं तो मरीज इश्क हूँ, देगी शफा उनकी अता। ए नबी प्यारे नबी मेरे नबी प्यारे नबी, सुन्नत तेरी दुनिया दी कोई नहीं तुझसा नहीं, ए रहमतुल लिल आलमी। ए नबी प्यारे नबी, किस्मत में मेरी या मुस्तफा या
یا مجتبی ارحم لنا ارحم لنا دستِ ہما بیچارہ را داما توی من عاصیم من عاجزم من بے قسم حال مرا یا شافع روز جزا پرساں توی پرساں توی اے مشک بے زمبر نشاں کے نصیب میں صبح دم اے چارگر عیسیٰ نفس اے مونس بیمار غم میں قاسم فرخند پہ تجھ کو اسی گل کی قسم ان التیاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیها النبی المحترم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نماز شوق کی ہے انتہا مدینے میں غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے فراغ راست ہے راغ خدا مدینے میں مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشو ساتھی کوثر سے پینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے چشم ساتھی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم خوف طوفان ہے بجلیوں کا ڈر خوف طوفان ہے مشکل ہے آقا کدھر جائیں گے خوف طوفان ہے بجلیوں کا ڈر سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم آپ ہی گھر نہ لیں گے ہماری خبر آپ ہی گھر نہ لیں ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے تاجدار
अल्लाह सुभान अल्लाह जजाक अल्लाह। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वाह वाह। क्या बात है जनाब, क्या बात है, जबरदस्त। आप लोग सब ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। आज मैं गिनती हमेशा बोलता, छठा रोजा इख्तियार किया ना हमने, तो छठा रोजा सबको मुबारक हो। और अपने इस सेगमेंट में भी जो कि इस ट्रांसमिशन का भी आज की हद तक आखिरी सेगमेंट है, थोड़ी सी मेरी आवाज अगर बढ़ा सके प्लीज। और जो कि हल्ले गुल्ले में जरा होता है सेगमेंट, उसकी भी इब्तिदा में हमें चाहिए कि हम ना भूलें अपने तमाम तर उन भाई बहनों बुजुर्गों बच्चों को जो कि कराची की हौलनाक गर्मी का शिकार हुए या जो कि अभी भी परेशान हैं, उनकी हिम्मत और जिस हौसले के साथ वो लोग इन मुश्किलात से लड़ रहे हैं। हमने मुख्तलिफ अंदाज़ों को खराज अकीदत पेश किया है। इस सेगमेंट के आगाज़ में ज़रा तालियों की सूरत में उनको अपने साथ का एजाज है, ज़बरदस्त। इंशाल्लाह हम सब आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। जरा करते हैं सेगमेंट का आगाज जनाब अली, आसान सवालात से जरा आगाज करते हैं, फिर थोड़ा मुश्किल करेंगे। हैं सेगमेंट शुरू हुआ नहीं है और लोगों का शेर सुनाने का शौक जाग गया है। अच्छा भाई, इस सेगमेंट में मैं कहता हूँ कि हम्द और नात वगैरह का शेर हम इसलिए ना सुनाए कि वो अशार अगर गलत सलत हो जाते हैं तो जरा एक तौहीन का पहलू होता है, इसलिए वो नहीं। ठीक है, वैसे आप सुनाएं, अब मुझे सवाल तो करने नहीं देंगे, आप लोग शेर सुनेंगे। शेर सुनाए भाई, शेर जे लॉट का गिफ्ट है। आप है लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। ये किसका शेर है? माइक होता है? नहीं पता नहीं। और ये कौन सी स्टोरी में है पता है आपको? ये कौन सी, ये उर्दू की कौन सी किताब में, ये मालूम है आपको? कौन, ये कौन बताएगा मुझे? हैं बाजी बता रही है। जी बाजी, मैट्रिक की उर्दू में। मैट्रिक की उर्दू में। और ये कौन सी स्टोरी के बाद आता है ये शेर? एक स्टोरी होती है कि सच्ची हमदर्दी, नज़ीर अकबर आबादी की नज़म थी। सच्ची किन किन दो का वाकया है जिसके बाद ही आता है? असलम और अकबर का वाकया। नहीं नहीं भाई, अरे नहीं, असलम अकबर कहाँ से? दो भाइयों का वाकया था, वो टोपी। दो परिंदों वरिंदों का है ये गेम कोई? एक को जाना होता है दूसरा घर जा रहा होता है, वो नहीं होता? नहीं। ये जुगनू और बुलबुल क्यों नहीं है? पक्की बात? जुगनू और बुलबुल वाले में कौन सा है आखिरी? अच्छा मुझे लगा वही है। चले शायद मैं गलत हो सकता हूँ भाई, मैं अपने अल्फाज वापस देता हूँ। जे डॉट का गिफ्ट हैम्पर दे दी, बहुत सारी तालियां इन्हें। और बाजी रुकैया के पास तो पहले इतने सारे नाम आते हैं, इन्हें क्या देके करने। तुम भी शेर सुना दो भाई। अच्छा आपसे एक सवाल पूछा, शेर सुना दो भाई, उसके बाद फिर भाई तालियां सब बजाएंगे जब कोई जवाब देगा, ठीक है ना? हाँ, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, हमारे वसीम भाई लागू में। ये शेर कल भी सुनाया गया था, ये शेर आपने कल तो नहीं सुना था? नहीं, यानी एक इस मुल्क में एक से ज्यादा लोगों के ख्याल में मैं लाखों में एक हूं, मेरे लिए बहुत सारी तालियां बजाएं। जाओ भाई, कुर्ता कॉर्नर का गिफ्ट हैम्पर दे इन्हें, ये ले भाई। अब मुझे सवाल तो करने ना कोई, आप भी कुछ सुनाएंगे, मुझे आखिरी सुना ले, मैं सवाल कर लूंगा। दिल धड़क रहा है। दिल धड़क रहा है? अच्छा, ये घर से लिख कर आई? माइक में तो बोले। बहुत मुश्किल से ढूंढा है मैंने। किसे? इसे। क्या है ये? लड़की बहुत खूबसूरत थी, इकबाल बार बार उसे देख रहे थे कि लड़की बोली, अपने से ऊंचा जो सनम देखते हैं, जिंदगी में रंजो अलम देखते हैं। इस पर हाथ कांप रहे हैं आपके? हाँ। क्यों? बस आपके सामने हाथ क्लोजअप करो, हाथ का क्लोजअप, हाथ पकड़ ले, हाथ कांप रहे हैं। इस पर इकबाल ने जवाब दिया, इस पर इकबाल ने जवाब दिया, अच्छा, न तुझ से गर्ज न तेरी सूरत से गर्ज, हम तो बनाने वाले का कलम देखते हैं। अच्छे वाले गिफ्ट दीजिएगा। ये क्या था? बहुत मुश्किल से ढूंढ। अच्छा क्या था ये तो बताएं? शेर है ना। अच्छा पीछे भी कुछ लिखा है, वो भी सुनाऊं? ये भी सुनाना। हाँ। तो सेगमेंट हम खत्म करने पे? नहीं ना, सुन लेना, अच्छा है। ये मैं सुनाया तो। अच्छा सुना। लड़की राइटिंग पसंद नहीं आएगी आपको। इस तरह की बातें हैं ये। अपने से ऊंचा जो सनम देखते हैं, जिंदगी में रंजो अलम देखते हैं, फिर इकबाल ने जवाब दिया, ना तुझसे अर्ज की है मैंने, ना तेरी सूरत से गर्ज है, हम तो बनाने वाले। ये शेर है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, तालियां हो जाए इस बात पे। बजा दे भाई तालियां इनके लिए, दे रहा हूँ इनाम दे रहा हूँ आपको भाई, इन्हें कुर्ता कॉर्नर और ब्रिज पावर का गिफ्ट हैम्पर दे दी, बहुत सारी तालियां इनके लिए। अच्छा भाई शेर, और सवाल तो करने दे मुझे, एक सवाल है जिसके जवाब में है क्यों मोबाइल, जिसके जवाब में क्यों मोबाइल के साथ साथ है सोगो आयरन,
जिसके जवाब में क्यों मोबाइल के साथ साथ है 5-star पिलो, तकिया, तकिया भी देंगे आपको। तमाम तर जरूरियात जिंदगी का ख्याल रखा जा रहा है, तकिए का शॉर्ट बनाया जाए अगर बना सकते हैं, तकिया देंगे आपको। जिन पे तकिया था, ये मुकम्मल करें इसको, जिन पे तकिया था उनको माइक दे जरा, वो पीछे वाले नजीर भाई को जी भाई, जिन पे बेड पे तकिया था हैं, बेड पे तकिया था वो भाई, एक ये एक जुमला है इसको मुकम्मल करो, जिन पे तकिया था मेरे सर के नीचे तकिया था, इनको दे भाई, आबिद को दे, वो पत्ते हवा देने लगे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, वाह बिल्कुल ठीक, बहुत सारी तालियां, तालियां बजाएं मारूं आप लोगों के पास। अच्छा जी कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? कोई मुझे सवाल ही नहीं करने देता, सबको शेर क्या सुनाएगी, सुना भाई सुना, मैं आता हूँ। बुलाए मोटा कार, उसके नीचे पहिए चार चाबी थे, वो चलती है पापा पापा कर दिया, दाएं बाएं पीछे जाए और मुंह मुझे, वाह वाह वाह, बहुत सारी तालियां, हाई स्पीड का गिफ्ट हैम्पर। इन्होंने कहा शेर सुना रही हूँ, पसंद ना है तो गिफ्ट मत दीजिएगा, नहीं आया पसंद मुझे, अभी तो सुना ही नहीं आया। अच्छा अच्छा, शेर नहीं सुना रही, आजाद नाम सुना रही हूँ, अमजद इस्लाम अमजद की, छोटी सी, इतनी सी, छोटी है, इतनी सी है, ठीक है। खुशबू की पोशाक पहन, पसंद नहीं आई, सुन तो ले। अच्छा अगर तालियां बजाएंगे पसंद आई या नहीं आई, ठीक है। खुशबू की पोशाक पहनकर कौन गली में आया है, खुशबू की पोशाक पहनकर कौन गली में आया है, क्या ये पैगाम रसा है, क्या क्या खबरें लाया है, क्या ये पैगाम रसा है, क्या क्या खबरें लाया है। खिड़की खोल के बाहर देखो, मौसम मेरे दिल की बातें तुमसे कहने आया है। शेर पसंद नहीं आया है, मैंने तो नहीं बजाई ताली, अरे नहीं, आपने, आप लोग सब बहुत काबिल एहतराम है, तो मैं ऐसी हंसी मजाक कर लेते हैं। जनाब इनको ABG जीन्स और SBG के गिफ्ट हैंपर दीजिए, बहुत जबरदस्त, बहुत सारी तालियां। अच्छा भाई जरा मैम, अच्छा जरा ABG जीन्स के गिफ्ट हैंपर के सवाल, LOC से क्या मुराद है, LOC जल्दी बताएं, LOC बताएं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC नहीं कह रहा, LOC LOC की नहीं पता, आए हाय गिफ्ट हैंपर देने, ABG जीन्स का गिफ्ट हैंपर, LOC बताएं, LOC बताएं क्या होता है, हाँ लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC से मुराद है लाइन ऑफ कंट्रोल, ABG जीन्स का गिफ्ट हैंपर। अच्छा भाई ये सवाल है जिसके जवाब में है क्यू मोबाइल, ये सवाल है जिसके जवाब में है यूनिक का सीलिंग फैन, और ये सवाल है जिसके जवाब में भी है तकिया, तकिया बहुत सारे तकिए हो गए, हम सब देंगे। कोई बरतानिया की उस दरगाह का नाम बता सकते हैं जहां से कायद आजम ने तालीम हासिल की थी, कानून की तालीम हासिल की थी, है जी, मदरसतुल इस्लाम, ये बर्तानिया में, मैं कह रहा हूँ बर्तानिया की उस यूनिवर्सिटी का नाम बताएं, वो कह रही है बरकतुल इस्लाम, रौनकुल इस्लाम, मदरसतुल, बर्तानिया में ऑक्सफोर्ड, जहां से कानून की तालीम हासिल की। अच्छा एक मिनट ना, क्या सवाल चेंज कर दूं, इसी का जवाब दोगे? अच्छा बैठो बैठो बैठे, बताएं बताएं, वैसे यहीं से बता दें, बर्तानिया की उस यूनिवर्सिटी का नाम है लिंकन, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत सारे इनाम, और इन्होंने भी सही जवाब दिया था, तो एक गिफ्ट हैंपर इनको भी दें जनाब, मैं ऊपर आ रहा हूं, वक्त कम है जरा, बहुत सारी तालियां। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? आप नाराज हैं? नहीं। आपने इतना गुस्से से क्यों देखा? नहीं, मैं भाइयों को ऐसे देखते हैं, मैंने तो खुश होकर देखा है, मुझे लग क्यों नहीं रहा? आपके एक्सप्रेशन हमेशा ऐसे ही रहते हैं? नहीं। अच्छा पाकिस्तान के वजीर इत्तेलात का नाम बताएंगे मुझे? तुक्का लगा कुछ भी कह दे, नहीं पूछना नहीं, आपने बताना कौन है? नहीं, मुझे नहीं, अंदाजन ऐसे ही बता दे, नहीं बताएंगे? पाकिस्तान के वजीर इत्तेलात का नाम शाजिया मरी, शाजिया मरी, पाकिस्तान के वजीर इत्तेलात का नाम शाजिया मरी, आपको पता है जब आप लोग गलत जवाब देते हैं ना, मुझे कंट्रोल रूम से आवाज आना शुरू होती है, हमारे कैमरामैन एहतजाज बुलंद करते हैं इसमें, भाई आप चेहरे नोट कर लें जो जवाब दे रहे हैं ना, चाहे सही जवाब हो या गलत जवाब हो, गिफ्ट हैंपर हमने सबको देने, ठीक है? गिफ्ट हैंपर सबको देने, अरे पहले वजीर इत्तेलात का तो फैसला हो जाए एक दफा, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा आसिफ, इस मुल्क का वजीर इत्तेलात कौन है?
चौधरी निसार अहमद। चौधरी निसार, उनको दे माइक। माइक खोले देना। परवेज रशीद। परवेज रशीद, बिल्कुल ठीक, बहुत सारी तालियां। जे डॉट का गिफ्ट हैंपर दे दी। पाकिस्तान की उस बेटी का नाम बताएं जिसे अमन का नोबेल प्राइज दिया गया था। इससे आसान सवाल तो नहीं हो सकता ना, बताओ भाई। मलाला यूसुफ। हैं? मलाला, मलाला यूसुफ जई, बिल्कुल ठीक, बहुत सारी तालियां जी। अच्छा भाई, शेर नहीं, नहीं एक सवाल, जरा बड़ा सवाल, जिसके जवाब में है क्यू मोबाइल, वीनस चेयर एंड टैबलेट जेट और तकिया। तकिए बहुत हो गए हैं, तकिए बताएं। एनजीओ बताएं क्या होते हैं एनजीओ। इतना आसान सवाल, एनजीओ, ये भाई ब्लैक को, भाई ब्लैक, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी तालियां और बहुत सारे नामाज। इनके बराबर वाले भाई को भी एक गिफ्ट हैंपर दीजिएगा। अच्छा जी, ये बताएं, अब जरा सुने, माहौल सुने, माहौल सुने। हवा जो है वो चल रही है शुमाल से जुनूब की तरफ जी। अरे हवा तो चलने दो, क्या आपने जवाब दिया ना अभी, तो वो देंगे आपको। आपको इन पर एतबार नहीं है, इस शरीफ आदमी पर आपको एतबार क्यों नहीं है? हैं यार, तुमने ऐसा कहा, ये तो गलत बात है यार, ऐसे नहीं करो यार। अच्छा, हवा जो है वो चल रही है, आप लोग जरा देखते रहिए कौन लोग जवाब दे रहे हैं ताकि गिफ्ट सब, ठीक है। हवा जो है वो शुमाल से जुनूब की जानिब चल रही है, और एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो जुनूब से शुमाल की तरफ जा रही है, जिसकी रफ्तार है 300 किलोमीटर पर आवर। तो आप बताएं कि उसका धुआं किस तरफ से किस तरफ जाएगा। ये भी आता है, बड़ी बात है भाई, बड़ी गेम है आपकी। तो ये सही जवाब देंगे, मुझे पता है। ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ नहीं, बच्ची बताएगी। नहीं होता है? नहीं होता। क्या नहीं होता? अबू से पूछ के बताओ क्या नहीं होता। धुआं नहीं आएगा। किसका धुआं नहीं होगा? इलेक्ट्रिक ट्रेन का धुआं नहीं होगा। इलेक्ट्रिक ट्रेन का धुआं नहीं होगा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। बहुत सारे नवाज इनके लिए। अच्छा जी, एक और सवाल, इसके जवाब में है, इसके जवाब में है, नहीं नहीं, इस सवाल के जवाब में तो बहुत सारे नवाज थे यार, क्यू मोबाइल, वीनस चेयर और फाइव स्टार पिलो। सवाल सुन के मैं अगला सवाल कर रहा हूँ, इसके भी नवाज सुन ले। क्यू मोबाइल है, फाइव स्टार पिलो है, और सुरमा वाला स्टील फेशियल है। फेशियल, फेशियल की स्पेलिंग बताया होगी मुझे, फेशियल की स्पेलिंग पे नाम देंगे। FACIAL, FECIAL, FACIAL, FACIAL, सोच लें। फेशियल, हाँ हाँ, फेशियल, पक्की बात है? आप करवाती हैं? हाँ करवाती हूँ, शौक से करती हूँ। इनाम दिया जाए आपको। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी, बहुत सारी तालियां बजा दें इनके लिए। शेर, शेर सुनो। अच्छा माइक पे तो बताएं, यहाँ पे देखिए ना कैमरा, बट तुम तो वेडियो क्या क्या अपने हस्बैंड को डेडिकेट कर रही हूँ, अशार हैं गाने के, तो क्या अपने हस्बैंड को डेडिकेट कर रही हूँ। तो आपको वैसे नहीं मौका मिलना डेडिकेट करने, इससे ज्यादा अच्छा मौका मिलता है। नहीं तो आप घर जाएंगे तो घर जाके डेडिकेट कर देंगे, इससे ज्यादा अच्छा मौका नहीं। कैमरे पे भाई प्लीज। आपने पहली दफा उनको कोई शेर कब डेडिकेट किया था? मैंने किया तो था मेला रेस्टोरेंट में, कहीं किया था मेला रेस्टोरेंट में। मेला रेस्टोरेंट में कितने, कब की बात है? काफी साल हो गए। शादी को कितना अर्सा हो गया? शादी को 14 साल, 14 साल हो गए। हस्बैंड को डेडिकेट कर दिया। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। ये तो मैंने कब कहा, मैंने आप, मैंने कब शक का इजहार किया उनपे? सही है, आप क्यों मुझे बता रही हैं बहुत अच्छे हैं? मैंने कोई शक का इजहार किया उनपे? बहुत अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे, थोड़े अच्छे हैं, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत गुजरने के साथ। पहले नमाजी हैं, बहुत नमाजी, पक्के नमाजी, तहज्जुद, इशराक, चार्ज सब पढ़ते हैं। वाह वाह, कोई नमाज आज तक मेरी जब से शादी उनकी छुट्टी नहीं है। 14 साल, आंधी आया, तूफान आया, ऑपरेशन हुआ, उनका सब कुछ हुआ, नमाज नहीं छूटी। अरे वाह वाह, ये तो सही है, बस बाबे तालियां होनी चाहिए। मेरे बच्चे नाथ भी बच्चे पढ़ने, बच्चों का ऑपरेशन भी हो चुका है। बच्चा गवाह इस बात पे, क्या बच्चे का ऑपरेशन में कैटिक था, लेकिन ऑपरेशन हो गया माशाल्लाह। वाह वाह, मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूंगा, कभी भी नहीं मौका मिला। अच्छा आज मिल गया मौका यार, बताओ सुनाओ। थोड़ा अनसेंसिबल शेर है ऐसी भाई, मतलब जरा देख लो, मतलब लाइव जा रहे हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। हाँ गयो, जबरदस्त। अब अम्मी शेर सुनाएंगी, अम्मी का शेर। हस्बैंड को डेडिकेट कर रही हूँ। अरे मैंने आप, मतलब ये बात 500 ही मतलब क्यों बता रही हैं आप? एक मिनट मैं एक वजाहत कर दूं, बताएं। नहीं, किसको डेडिकेट करें? हस्बैंड को। क्लियर हो गया सबको भाई, सबको मालूम हो गया, सबको। अगर मैं गई तो अपने हस्बैंड की वजह से जन्नत में जाऊंगी, यकीन करें।
मेरे हस्बैंड बच गए। अच्छा शेर शेर सुना रही है? तरन्नुम में सुना दूं। किसके लिए सुना रही है? अपने हस्बैंड के। सुना तरन्नुम में। तरन्नुम में। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते ये शेर है। मैं तो मर कर भी शेर है। मेरी जान तुझे चलो गजल सुना दी शेर के बदले, लेकिन चले कोई बात नहीं, आपके लिए और आपके लिए है एक क्यू मोबाइल का तोहफा और एक फाइव स्टार पिलो। बहुत सारी तालियां इन दोनों के लिए जनाब। गजल सुना दी शेर का कह के, लेकिन चले कोई बात नहीं, अगर जिंदगी रही अगर सेहत रही तो आपसे मुलाकात होगी शान रमजान की इफ्तार नशरियात में दोपहर 2:30 पर। और जाते जाते भी यही दुआ कि अल्लाह ताला अहलियाने कराची की मुश्किलात आसान करें, अल्लाह ताला इस गर्मी की तमाजत में कुछ अल्लाह ताला का करम हो और इंशाल्लाह अब्र रहमत बरसे और उससे गर्मी का जोर टूटे। जिंदगी रही सेहत रही तो मिलते हैं 2:30 पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान। खुशामदेद जनाब, रोज़ा कुशाई का सेगमेंट नहीं, रोज़ा रखाई का सेगमेंट है ये, और इसमें हमारे वो कुछ नन्ने मुन्ने दोस्त मौजूद होते हैं, नन्ने मुन्ने कह लीजिए थोड़े बड़े होते हैं, ये मेरा टॉक बैक बंद कर दीजिएगा प्लीज, जो कि रोज़ा इख्तियार करते हैं। और ये हमारा एक दोस्त हमें कल नज़र आया था, कल मैंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया था, मैंने कहा था ये वही आदमी है जो पिछले साल भी लोहे कुरानी में आया था, मैंने कहा इसको तलब किया जाए, इनको शाने शहर में बुलाया जाए। क्या हाल है? ठीक। क्या चल रहा है आजकल? सही चल रहा है। सब सही? ओके। ये मैंने बुलाया तुम्हें, इसलिए आए हो यहाँ पे। ये पता है? नहीं नहीं पता। अभी आपने बताया तो पता है ना, तो वरना आप क्या समझ रहे थे कि क्यों आए हो यहाँ पे? उन्होंने बोला था कि तैयार होकर आया। थोड़ा ऊंचा तो बोला यार। उन्होंने बोला कि तैयार होकर आया। किसने बोला? उन्होंने बोला कि तैयार होकर आया। तो तैयार होकर आ गए? हाँ। तो तुम्हें कोई भी कहीं भी कहता है तैयार होकर आ जाओ, तैयार होकर आया? तो नहीं। तो यहाँ क्यों आया? खास बंद हो गया जाते हैं। खास बंदों के यहाँ जाते हैं। खास बंदों के लिए? थोड़ा ऊंचा बोलो यार। खास बंदों के लिए। तो पता कैसे चलता है कि जो मुझे बुला रहा है वो खास बंदा है कि आम बंदा है? वसीम भाई आप खास बंदे तो आपके कहने पे आया हूँ। अभी तो तुम कह रहे थे कि यहाँ आके पता चला है, आपने बताया तो पता चला कि आपने बुलाया? तो आपने बुलाया जब तो आया हूँ ना। वो तो तुम्हें यहाँ आके पता चला ना। हाँ। लेकिन तुम कह रहे हो कि मुझे तो अगर पता चले कि खास बंदा बुला रहा है तो मैं आता हूँ। पहले तुम कह रहे हो कि यहाँ आया तो पता चला आपने बुलाया, फिर कह रहे हो आपने बुलाया था इसलिए आ गया। अब ये क्या सच क्या है इसमें? तो एक ही बात हुई ना कि बुलाया तो आया हूँ ना। तो भाई कब पता चला कि मैंने बुलाया है? अभी अभी। तो जब फोन आया? हाँ। तब क्या लगा कि किसने बुलाया? जब किसी का नहीं। तो फिर क्यों आए? गड़बड़ हो गई जरा है ना, ये थोड़ा सा गेम खराब कर दिया, कंफ्यूज कर दिया मैंने। तो आज का मैच मैं जीत गया। हाँ। रोजाना मैच खेलेंगे सही है? ओके। रोजा वोजा रख रहे हो? हाँ, अभी तो नहीं रखा, अभी पहला रखा। पहला रख रहे हो आज या आखिरी तो नहीं रख रहे? नहीं नहीं पहला पूरा करना है भाई। हाँ। ये कोई दो नंबर नहीं चलेगी इसमें। पक्की बात है जी? अगर रोजा नहीं हुआ आज क्यों मोबाइल वापस कल वाला? नहीं रोजा रखूंगा मैं। पक्की बात है ना? प्रॉमिस। ठीक हाँ। है कल भी आओगे ना फिर? हाँ। इफ्तार पे आ रहे हो? हाँ। कौन बुला रहे हैं आप? ठीक है इफ्तार पे भी आ रहे। बहुत सारी तालियां। नाम क्या है? नाम भूल गया। वासिफ हैं? वासिफ। तो आसिफ क्यों नहीं है? पता नहीं किससे रखा है। दादी ने। वासिफ का मतलब पता? नहीं। ये किस तरह का नाम है मतलब ही नहीं पता, कल मालूम करके आना मुझसे। सही है। पक्की बात है? पक्की। बात कर लूं कुछ और लोगों से? कर लें। कोई एतराज तो नहीं आपको? नहीं नहीं। इजाजत है? इजाजत है। तशरीफ रखें। बहुत सारी तालियां वासिफ के लिए भाई। अस्सलाम वालेकुम। कोई जवाब ही नहीं दे रहा यार। सलाम क्यों नहीं दे रहा कोई जवाब? अच्छा कैसे हैं आप लोग? ठीक है
खैरियत से हैं? रोजा रख रहे हैं आप लोग सब माशाल्लाह? वेरी गुड, वेरी नाइस। वैसे ये बताएं, आजकल जो है आप बताएं, बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है बहुत ज्यादा, या गर्मी हो रही है? बहुत गर्मी हो रही है। बहुत गर्मी हो रही है ना जी। और लाइट भी नहीं है? लाइट तो बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने अल्लाह मियां से दुआ की है, प्रे किया है? जी, क्या बहुत दुआ करी है कि अल्लाह ताला लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, बारिश हो जाए, और बारिश हो जाए, और गर्मी चले जाए, सही हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, है ना। मैं दुआ करता हूँ, सब मिलके आमीन कहेगा, ठीक है, कि ए अल्लाह जल्द अज जल्द इस गर्मी की जो शिद्दत है उसको कम कर दे। जबरदस्त, वेरी गुड। और अपना अब्र रहमत बरसा दे। अच्छा, लेकिन गर्मी तो हो रही है, और आपको पता है ना, बहुत सारे लोगों की डेथ्स भी हो गई हैं गर्मी की वजह से। ये पता है, बहुत सारे लोग मर गए हैं, और बहुत सारे लोग इसकी वजह से बीमार भी हो गए हैं, और बहुत सारे लोगों को पानी पीना होता है, उनको वो नहीं मिलता। तो ऐसा करते हैं कि आज एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि अब मौसम तो अल्लाह ताला है ना, हमारे तो हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमारे हाथ में भी होती है ना। तो ये बताएं कि जो लोग, जिन लोगों को गर्मी लग रही है, जिनको पानी पीना होता है और पानी नहीं मिल रहा है ना, हमें उलमा ने बताया कि अगर किसी की जान को खतरा हो जाए ना, फिर वो रोज़ा तोड़ सकता है। अगर उसको ऐसा लगे कि अब मेरी वफात हो जाएगी, इंतकाल हो जाएगा, अगर मैंने रोज़ा ना तोड़ा तो, इख्तियार किए रखा। अभी उलमा से और भी पूछेंगे। तो हम क्या हेल्प कर सकते हैं, ये सोच के बताएं कि भाई थोड़ी सी ना हेल्प हमको भी करनी चाहिए ना। जो लोग इतने परेशान हैं, हम सिर्फ अपने टीवी प्रोग्राम में बात करें और चले जाएं, इस तरह तो मज़ा नहीं आएगा ना, थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए। तो वासिफ क्या हेल्प हो सकती है यार, कुछ सोचो, कुछ बताओ। दोबारा बोलिएगा, सुनो। कोई हेल्प किस तरह कर सकते हैं ये लोगों की, परेशान लोगों की मदद करनी चाहिए। मदद तो करनी चाहिए, कैसे करें? कि उनको कोई, अगर उनका रोजा टूट जाए तो आप ताली उनके घर पर भेज दें, पानी वानी पिला दें। हाँ, और खाना वाना खिला दें। खाना, पॉकेट मनी कितनी है आपकी? मेरी 20 रुपीज जी। थोड़ी सी दे दो यार, थोड़ी सी पॉकेट मनी का वादा करो कि ये है ना, ये मैं, ये जो लोग परेशान है ना उनको, अम्मी को दूंगा कि अम्मी आप ये जो है ना दे दें जरूर। इंशाल्लाह। कितने लोग हैं? 10 रुपए। पक्की बात जी? 10 रुपए? हाँ। आधी पॉकेट मनी जी? प्रॉमिस, प्रॉमिस। ये चीज, बहुत सारी तालियां दी वासिफ के लिए, वासिफ ने आधी पॉकेट मनी दे दीजिए, ठीक है। तो हम लोग सब जो है वो कोशिश करेंगे कि अपनी पॉकेट मनी से ना थोड़े थोड़े पैसे, 2 रुपीज 4 रुपीज 5 रुपीज वो इनको दें, ठीक है। आप भी करेंगे? पक्की बात है? चलें ठीक है। फिर इफ्तार में आप लोगों से होगी तफसील से बात, आप ब्रेक लेंगी? हाँ लेने। और आप लोगों के लिए है ब्रिज पावर की जानिब से, डियर की जानिब से, हाई स्पीड की जानिब से, करशी की जानिब से, और सूफी की जानिब से बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स भी। ये क्या? ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ ब्रेक में दे दूं या अभी दूं? अभी। वो कह रहे हैं ब्रेक ले लो, पहले क्या काम करूं? अभी ले। ब्रेक ना लूं? नहीं। अगर इन्होंने मुझे निकाल दिया इस बात पे तो? नहीं निकालेंगे। ब्रेक लेके कर दूं अगर? नहीं। अभी अभी एक 2 मिनट बाद, अगर 2 मिनट बाद दे दूं? जी 2 मिनट बाद देते हैं आपको, ठीक है जी। जनाब एक छोटे से वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद होंगे, एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم۔ عزیزان گرامی، ہمارے مہمان اس وقت سحری کر رہے ہیں، علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، اور آج مجھے وہ یہ کہ ہمارے میرے بڑے ہر دل عزیز مہمان، اللہ ان کو بہت بہت جزائے خیر دے، پروفیسر محمد احمد قادری صاحب، इनकी एक किताब है, ये देखिएगा, वर्ल्ड पीस ऑर्डर। इस किताब की वजह से डॉक्टर साहब को एम्बेसडर ऑफ पीस का अवार्ड भी मिला है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपको मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। उनके साथ तशरीफ फरमा है मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब, और ये जो हमारी सैरी मेरे भाई और बहन खा रहे हैं, इसकी स्पॉन्सरशिप की है मीजान स्प्रिंगले ने, कर्शी मिनरल वाटर ने,
करशी जामे शीरी ने। आप हजरात को भी अल्लाह बहुत जजाए खैर दे, आपने हमारी सहरी का इंतजाम किया। हजरात गिरामी, रमजान पूरी रफ्तार से चला जा रहा है मुफ्ती साहब, और कुछ पता नहीं चलेगा, पूरा रमजान इसी तरीके से गुजर जाएगा। मेरे से दो चार सवाल, एक सवाल ऐसा है जो बेशुमार लोगों ने पूछा है कि ये जो कराची पर जो अल्लाह की तरफ से हाल आया है, ये हमारी आजमाइश है कि अल्लाह का अजाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अहले कराची पर और पूरे आलम इस्लाम पर अपना खुसूसी करम फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और जिन लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं, अल्लाह तबारक व ताला उन्हें अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये अपनी जगह पर है कि किन की क्या कोताहियाँ हैं इंतज़ामी एतबार से, लेकिन अगर इंफरादी एतबार से हम देखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह निसा में फरमाता है, वमा असाबका मिन सकियतिन फमिनल्लाह, वमा असाबका मिन हसनतिन फमिनल्लाह, वमा असाबका मिन सकियतिन फमिन नफ्सिक। जो भी भलाई तुझे पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से है, सुभानल्लाह, और जो आजमाइश पहुंचती है, मुसीबत पहुंचती है, वो तुम्हारे अपने आमाल और करतूत की सजा है। तो ये बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान हकीम के अंदर बिल्कुल वाज़े फरमाई है। इस वक्त जो हालात हम देख रहे हैं, गर्मी की शिद्दत के, पानी की किल्लत के और दीगर मुख्तलिफ किस्म के मसाइल, मुझे एक बात बड़ी जहन में आती है। उमूमन लोग ये बात करते हैं, देखो यार रमज़ान आया और चला गया, पता नहीं चला, मगर इस बार पता चल रहा है। अल्लाह, सही बात, इस बार पता चल रहा है, पता चल रहा है। अच्छा, जो लोग कहते हैं रमजान आया पता नहीं चला, उनसे पूछते हैं आपने रोजे रखे थे, कहते हैं नहीं, तो पता कैसे चलेगा? आप रोजे रखो, रमजान का बिल्कुल पता चलेगा। ठीक, तो हम रोजे ना रखें, अल्लाह की इबादत ना करें, इताअत और फरमाबरदारी ना करें, गुनाह मासियत में मुब्तिला भी रहें, ज़हर अल फसाद फिल बहरी वल बर्री बिमा कसबत अयदी नास, ये तो इंसान के अपने आमाल के करतूत से अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, खुश्की और तरी में फसाद फैल जाता है। बेशक इंसान है, अल्लाह तबारक व ताला ने इस कायनात की हर शय के अंदर तवाजुन फरमाया, अदल फरमाया, हर नेमत अता फरमाई, हर खित्ते में, हर जगह पे। वमा मिन दाबतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, कोई जमीन पे चलने वाला जानदार ऐसा नहीं है कि जिसका रिस्क, जिसका दाना, जिसका पानी, जिसकी गिजा, जिसकी जिंदगी की तमाम तर आसाइश और सहूलत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका इंतजाम ना किया हो, लेकिन बंदे उसकी तकसीम, उसकी तंसीफ मुनसिफाना नहीं करते हैं। ये हमारे अपने आमाल हैं, लिहाजा उन लोगों के लिए तो दुआ है जो इस आजमाइश में शदीद मुब्तिला हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पर ज़रूरत है इस अमर की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम इज्तिमाई तौबा करें, अपने आमाल, दूसरों पे उंगली ना उठाएं, अपने गिरेबान में झांकें, अपने आमाल देखें क्या है, हमें खुदा को जवाब देना है हम क्या कर रहे हैं। तो हमें इस वक्त ज़रूरत है इज्तिमाई सतह पे तौबा करने की, ताकि अल्लाह तबारक व ताला अपना करम ख़ास फरमाए इस मुकद्दस महीने में बिलखसूस। यकीनन ये एक आजमाइश है, और मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ये आजमाइश बहुत जल्द टलेगी, बारिश भी होगी, बारान रहमत भी बरसेगी, और इंशाअल्लाह ये आजमाइश, ये सख्तियाँ हमारे लिए मगफरत और निजात का बाइस भी बनेगी। अल्लाह आपको बहुत 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 जज़ाए खैर दे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मेरा एक सवाल है, जो कि ये एक और सवाल है जो मेरे से बड़ा पूछा जाता है, और अल्लाह की शान आपने वर्ल्ड पीस ऑर्डर पे कुछ लिखा हुआ भी है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ, जो कि बहुत पूछा जाता है, कि आप अपने प्रोग्राम में मुसलमानों को जोड़, मुसलमानों का जोड़, मुसलमानों का जोड़, मुसलमानों को आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। तो मुझे एक साथी पूछ रहा था मेरे से कि ये जोड़ 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 जुनेद कैसे होगा ये जोड़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ ARY डिजिटल का और आप हजरात का, कि आपके तवसुस से ये मौका मुझे मिला कि अपने अहबाब से मुखातब हो सकूँ, और आपकी इजाज़त से कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ। और एक काविश हम सबको करनी चाहिए
देखिए कुरान करीम माशाल्लाह सब पढ़ते हैं, अहादीस सब पढ़ते हैं, और हर शब और हर दिन हम रोज़ाना हवाले भी बहुत सारे देते हैं, लेकिन फिर क्या सबब है कि हम बारिश की बूंद बूंद को भी तरस रहे हैं? और इत्तेहाद बरे मुस्लिमीन के लिए जो असल जो मुहर्रिक है उसका, कि एहतसाम बिहब्लिल्लाह, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो, तो वो रस्सी क्या कहीं खो गई है या हमारा अकीदा कहीं खो गया है? इसका मकसद ये है कि अल्लाह की हिदायत तो मौजूद है, शायद हमने हिदायत के जाविये बदल दिए हैं, ठीक, और उस जाविये के नतीजे में हमने हिदायत अपनी अना को, अपनी जात को, अपने आप को और अपने मिजाज को ही हिदायत समझ लिया है। जब तक हम अपने अहबाब की और सारी मिल्लत इस्लामिया से हटकर इंसानियत की इज्जत नहीं करेंगे उस वक्त तक दीन के लिए, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेरा अकीदा है वो ठीक है, बाकी हर एक का गलत अकीदा है। मैं ये आपसे एक बात उस करूं कि हमारे यहाँ मामला क्या हो गया भाई बादामी साहब, आपकी भी तवज्जो चाहूंगा कि हमने कुरान करीम और अहादीस के हवालों को अपने आप को दुरुस्त करने के लिए और दूसरे को गलत साबित करने के लिए, और ये कुरान करीम की और अहादीस की तौहीन है। क्यों मुफ्ती साहब? कुरान करीम की और अहादीस की इसलिए मैं जिम्मेदारी से कर रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान करीम ने किसी को बुरा कहने के लिए आयात का नुज़ूल या अहादीस का इस्तिंबात नहीं किया। उलमा ने तो ये किया कि इसके जरिए माशरती मसाइल और माशरती इत्तेहाद और मिन हैसल मजमू के अल्लाह के नबी किस माशरे को देखना चाहते थे। एक जानिब सलमान फारसी को भी देख रहे हैं, बिलाल हबशी को भी देख रहे हैं और खुलफाए राशिदीन को भी देख रहे हैं, दूसरी जानिब यदुल्लाह अल जमा कि जो जमात है इस पर अल्लाह तबारक व ताला का हाथ है। अब ये अल्लाह का हाथ जमात पर उस वक्त होगा जब हम इस ईमान व अकीदे के साथ हों कि कोई मसलक भी इख्तियार करे आदमी आदमी से प्यार करे। लेकिन मामला ये होता है कि हम अपने आप को दुरुस्त करने के लिए बाज़ूकात इतना आगे निकल जाते हैं कि हम दूसरे के जज्बात का ख्याल नहीं करते। ठीक, एक बात तो ये, दूसरी बात ये अर्ज करूँगा कि ये जो वर्ल्ड पीस ऑर्डर टुवर्ड्स इंटरनेशनल स्टेट मैंने जो कोशिश की एक छोटी सी और जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह बैनुल अक़वामी अवार्ड भी मिला, इसमें मैंने जो इस्लाम का पैगाम अमन है, ईसाइत यहूदियत या सिख और हिंदू मत, इन तमाम जो मजाहब और अध्यान को यकजा करके ये बताया कि दीन इस्लाम ने जो पैगाम हक दिया है और पैगाम इत्तेहाद दिया है और पैगाम अमन दिया है वो पैगंबर अमन, क्योंकि मेरा पैगंबर अजीम तर है और उसने तो किसी से नफरत की ही नहीं। मुझे आप बताइए कि हुजूर के जमाने में या हुजूर के बाद सहाबा कराम ने किस सहाबी ने किस सहाबी को काफिर करार दिया? कोई एक मिसाल मुझे बता दीजिए। मुफ्ती साहब ये बात ये कि गैर मुस्लिम तो हमको काफिर नहीं, मतलब गैर मुस्लिम तो हमसे ऐसा झगड़ा नहीं करते, गैर मुस्लिम के नजदीक तो इस्लाम इतना बुरा दीन नहीं है, ये मसला तो हमारा अपना मसला नहीं है। देखिए जहाँ तक गैर मुस्लिम की बात है इसमें तो डाउट नहीं है कि वो मुसलमानों के बेशक दुश्मन हैं और वो नुकसान भी देते हैं। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, ये यहूद और नसारा तुमसे कभी खुश ना होंगे जब तक कि तुम उनके मिल्लत की इत्तबा ना कर लो। बेशक तो इसमें नो डाउट आपकी बात इस एतबार से बड़ी अहम है कि जब बड़े बड़े दुश्मन इस्लाम दुश्मन अनासिर मौजूद हों तो ऐसे मौके पे मुसलमानों को बाहमी इत्तेहाद की ज़रूरत है, बहुत अच्छा, मुसलमानों को बाहमी इत्तेफाक की ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ये मुसलमानों के लिए इज्तिमाईयत का मरकज़ है, मोहब्बत का मरकज़ है, मुसलमानों के जोड़ का मरकज़ है, और ये वो प्लेटफॉर्म है कि जो इससे वाबस्ता हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि इस सतह पे किसी मुसलमान का किसी एतबार से इख्तलाफ हो, लिहाजा अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम से वाबस्तगी मोहब्बत अकीदत ताज़ीम ये जितनी मजबूत होगी और जितना मुसलमानों के अंदर मोहब्बत रसूल हुब्बे रसूल पैदा होगा, अल्लामा इकबाल ने कहा यह फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, रूह मोहम्मदी इसके दिल से निकाल दो, फिक्र अरब को देकर फिरंगी तखयलात इस्लाम को हिजाज व यमन से निकाल दो। वो जानते थे कि मुसलमानों की अगर इज्तिमाईयत का राज है, इनकी ताकत का अगर कोई राज है और इनके अंदर कोई ख़ास बात है
तो वो है रूहे मोहम्मदी कि जंग हो या अमन ये कभी डरते नहीं है, कहीं कहीं भी ये पीछे हटते नहीं है, इसलिए कि इनके अंदर इश्क रसूल, हुब रसूल, नस्बत रसूल मौजूद है। लिहाजा तमाम मुसलमान ये कुरान पाक और नबी करीम अलैहिस्सलाम ये हबलुल्ला है। वअतसिमु बिहबलुल्ला, अल्लाह फरमाता है कि तफरके मत करो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। जाहिर सी बात है आसमान से कोई रस्सियाँ तो नहीं लटक रही, वो ये कुरान है अल्लाह रब्बुल इज्जत का और नबी करीम अलैहिस्सलाम की। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे मुफ्ती साहब, बड़ा जल्द सद्दे बाब होगा इनका। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। मुख्तसर पुरअसर फरमान रब्बी है कि जमाने की कसम इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाते हैं और साले अमल करते हैं और हक की तलकीन और सबर की ताकीद करते हैं। दोस्तों, सिर्फ ईमान व अमले साले काफी नहीं, सबर के साथ कुरान और सुन्नत जो हक है इसकी तबलीग भी हम सब पर फर्ज है। الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول
حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته والدرجة الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين عزيزان گرامی اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے جو دعا مانگنی ہو صدق دل سے اذان کے بعد مانگو اللہ اس کو قبول کرتا ہے ٹھیک ہے اور اللہ کو جو دعا سب سے زیادہ پسند ہے وہ عافیت کی دعا ہے تو یہ دعا مانگا کرو اذان کے بعد تین دفعہ اللہم انی اسلک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسلک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسلک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ نماز کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اذان کے بعد ہمارا لوح قرآنی کا سیگمنٹ ہوگا آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ اسلام بھی ہو سکتا ہے اور وہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے بتائیے اس پر بھی مشورہ کیا جا رہا ہے اسلامیت شکریہ اسلامیات آدم ثانی کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے پھر سوچ کے بولو جلدی سے بھائی چانس تو ختم ہو گیا نا ختم ہو گیا وسیم ختم ہو گیا دے دو وسیم بھائی پہلے ہی بےچارے کمزور ہیں چلو ایک سوچ کے بول دو بولو آدم ثانی کہہ رہے ہیں وسیم بھائی جلدی بتائیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے فائیو طوفان بڑا طوفان آج کل آ رہا ہے غلط اب تو ہو گئے تین دو تکے مار دیے دوسری ٹیموں کو اس پر اعتراض آدم ثانی حضرت نوح کو کہا جاتا ہے ارے کہہ رہا ہوں طوفان طوفان میزبان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گڈ کوسچن کس صحابی کو کہا جاتا ہے گڈ کوسچن وسیم تھینک یو سر گڈ کوسچن میزبان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اگر ان کو یہ نہیں پتا تو پھر بری بات ہے حضرت ابو بکر میزبان حضرت ابو بکر جواب ہو ابو تک صحیح ہے اونٹنی بتائیں ہنٹ ہو گئی نا لو بہت بڑی ہنٹ ہو گئی ہے ہنٹ دے دی اونٹنی مدینے میں اونٹنی کس کے گھر رکی بس بس بھائی وہ بھی نہیں پتا ہوگا باجی جویریہ میری ہنٹ پہ تقریباً اچھل پڑی مجھے لگا فانوس سے ٹکرا جائیں گی اتنا اچھلی مدینے میں اونٹنی کس کے گھر رکی کاؤنٹ ڈاؤن فائیو حضرت ابو طالب حضرت ابو طالب غلط صحیح جواب ہے حضرت ابو ایوب انصاری یہ بہت آسان سوال تھا دو سوالات ہوئے آپ سے حضرت شیس کس پیغمبر کے صاحبزادے تھے ماشاءاللہ جناب جواب حضرت جیوری میں نے پیش کر دیا ہے حضرت آدم کے جواب بالکل ٹھیک ہے بہت ساری تالیاں دی
जनाब अली टीम बी की जाने बढ़ते हैं, बताइए आपसे तीन सवाल स्पोर्ट से किए जाएं, जनरल नॉलेज से, इस्लामिक स्टडीज से या पाकिस्तान स्टडी से, बताइए जनाब। इस्लामिक स्टडीज। अगेन इस्लामिक स्टडीज, ऑल राइट। और इनके नंबर्स कितने होंगे, आपने तीन में से कितने सवाल के जवाब दिए, एक का, इसलिए आपके नंबर्स 20 हैं, ओके। हजरत शाह वलीउल्लाह ने कुरान करीम का तर्जुमा किया किस जबान में किया था, फारसी। बिल्कुल ठीक, फारसी में किया था। अबुल अंबिया किस पैगंबर को कहा जाता है, अबुल अंबिया, ध्यान से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अबुल अंबिया यार, हजरत इब्राहिम, जो आपकी मर्जी वसीम, मैं होता तो नहीं देता इसका, जीरो देता इस पे। थैंक यू, इतनी मुश्किल में आप मुझे डाल देते हैं और उसके बाद नहीं, अब लेकिन मसला है कि चूंकि हमने उन्हें एक चांस दिया है, दिया है, तो फिर इसलिए एक चांस इन्हें असल दे, मैं तो यही चाह रहा था तुम चांस दे दो। हजरत इब्राहिम जो आप सही मान लेते हैं, एक चांस उनको मिला था तो इनको भी बहुत सारी तालियां। किस, लेकिन बस ये एक चांस हो गया, बस अब एक एक चांस है सबके पास। किस पैगंबर ने 180 शहर बसाए थे, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, मुझे नहीं पता क्यों, वेरी नाइस। जनाब अली टीम सी आप बताइए कि आपसे किस शोबे से सवाल किए जाएं, पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। उफ इतना आसान सवाल आ गया है कि अब हिंट की गुंजाइश, मासूमाना, मासूमाना सवाल है, इंतहाई मासूमाना सवाल है। अल्लामा इकबाल किस मस्जिद के जेर साया मदफून है, बादशाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद लाहौर। सिराजुद्दीन किस मुगल बादशाह का असल नाम था, सिराजुद्दीन, ये जिंदगी बात, इसमें हिंट इतनी नहीं हो सकती क्या, हमने ये तो बता दिया कि मुगल बादशाह था तो वैसे ही बड़े महदूद हो गए हैं सारे, वो भी तो इतने सारे, अरे कितने, कोई कौन से, कोई लाखों करोड़ों है यार। सिराजुद्दीन, एक काम करो जल्दी से सबके नाम, बाबर है जी, बाबर, बाबर आपके भी फ्रेंड बाबर है, कौन है, अरे वो तो जहीरुद्दीन थे, नहीं पास। आखिरी ताजदार कौन थे मुगलिया सल्तनत के, चलो आखिरी का नाम क्या था, अकबर, अकबर आखिरी कौन थे बताएं, बहादुर शाह जफर। हिंट दे दी, अब हिंट्स बराबर हो गई सबकी, कोई शिकवा ना करे, अब कोई बदवा ना दे हमें, दिस वाज वेरी इजी, दिस वाज वेरी इजी, इसके बाद वेरी इजी हिंट थी। पाकिस्तान के पहले वजीर दिफा का नाम बताइए, पाकिस्तान के पहले वजीर दिफा, जल्दी से बताइए जनाब, नो नो आंसर, कोई तुक्का भी नहीं मारना। पाकिस्तान के पहले वजीर दिफा वही थे जो वजीर आजम भी रहे पाकिस्तान के, लियाकत अली खान। अच्छा। जवाब हो गया गलत, दो राउंड इख्तिताम पजीर हो चुके हैं, टीम बी के, टीम ए के 20 नंबर्स, टीम सी के 30 नंबर्स, टीम बी लीड कर रही है 50 नंबर्स के साथ। लेकिन ये जो हमारा आखिरी राउंड है ये बड़ा जालिम राउंड है, इसमें काया पलट जाती है क्योंकि इसमें एक मिनट है मुस्तकिल, एक 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 मिनट रैपिड फायर राउंड है, सही जवाब पर 10 नंबर, गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जब तक पास नहीं कहेंगी मैं अगले सवाल पर नहीं बढ़ूंगा, मशवरा यह है कि अगर जवाब ना आता हो या तुक्का मार दीजिएगा या पास कह दीजिएगा। शुरू किससे करें, आपसे करते हैं, टीम सी से शुरू करते हैं, बिस्मिल्ला। शिमला भारत का एक शहर है, शिमला की पहाड़ियां पाकिस्तान के किस शहर में है, पास। एबटाबाद ठंडियानी नामी तफरीही मकाम किस शहर में है, एबटाबाद, बिल्कुल ठीक। फातिमा जिनाह का इंतकाल किस शहर में हुआ, कराची, बिल्कुल ठीक। मलका बिल्कीस का वाकया किस पैगंबर से मंसूब है, गुड क्वेश्चन, पास। हजरत सुलेमान मस्जिद अक्सा किस शहर में है, फलस्तीन के, बैतुल मकदस। युगेंडा किस बड़े आजम में है, अफ्रीका, ठीक। भारत की करेंसी का नाम, रुपया, बिल्कुल ठीक। बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में है, पिशावर, बिल्कुल ठीक। शेख अहमद सरहंदी तारीख में किस नाम से जाने जाते हैं, पास। हजरत मुजद्दिद बैतुल मकदस का दूसरा नाम, जेरूसलम और मस्जिद अक्सा, ठीक। हजरत सुलेमान का हजरत दाऊद से क्या रिश्ता है, पास। बाप बेटे का सफीउल्लाह किस पैगंबर का लकब है, पास। हजरत आदम, वेल प्लेड, वेल प्लेड। अपना स्कोर बढ़ाकर 90 तक ले गए हैं, 90 अपना स्कोर बढ़ाकर 90 तक ले गए हैं। वेल डन, वेल डन। बाजी जवेरिया की टीम में तश्वीश की लहर दौड़ गई, जबकि बाजी मोमल ने इस पर मजीद एतमाद का इजहार किया है। 90 इज गुड। तो आज से खेले जी टीम ए,
कोई एतराज तो नहीं आपको? मैंने कोई ऐसी गलत बात तो नहीं? फिर आपने इतना गुस्से से क्यों देखा मुझे? क्या मतलब इसमें ऐसी क्या बात है? अच्छा जी, शुरू करें जी। इसमें पता चल जाएगा कि आप इधर हैं या उधर हैं। सफीउल्लाह किस पैगंबर का लकब है? हो गया है, सॉरी। सूरज, 3 सेकंड आपको और दूंगा। सूरज किस सम से निकलता है? मशरिक। ठीक। MBBS किन अल्फाज का मुखफ्फफ है? मेडिसिन, बैचलर्स। टाइम वेस्ट ना करें यार। ओके। परहेज किस चीज से बेहतर है? इलाज। बिल्कुल ठीक। जमीन पर अगर किसी चीज का वजन 10 किलो है, खला में कितना होगा? 0। कुछ नहीं होगा। ठीक। बच्चों के प्रोग्राम टॉम एंड जेरी में जेरी किसका नाम है? माउस। चूहे का। ठीक। मशहूर बुजुर्ग शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मजार कहां है? लाहौर। बगदाद। गलत। गजल का पहला शेर क्या कहलाता है? रिपीट करें। गजल का पहला शेर क्या कहलाता है? मिसरा। गलत। मतला आखिरी शेर इसमें शायर का नाम होता है, क्या कहलाता है? पास। मक्ता। गलत। कदीम शहनशाहियत अब तक किस मुल्क में है? लाहौर। कदीम जापान। तुम शहनशाहियत बादशाहत दुनिया में इस वक्त किधर है? सबसे दुनिया में बादशाह इस वक्त कहां है? है, है, है। मैंने आपसे एक सवाल रिपीट कर लिया था, लेकिन अगर मैं आपको 3 सेकंड और दे भी देता हूं और आप एक सवाल का जवाब दे भी देती हैं तो भी आपके नंबर हो जाएंगे 70, जबकि पड़ोस की टीम के नंबर हो गए हैं 90। बाजी जवेरिया थोड़ा सा जरा काम खराब हो गया, कोई ऐसी बात नहीं, थाम के जरा, हम भी बहुत हारे हैं माशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं। चले जी, अब मुकाबला है टीम बी और टीम सी के दरमियान। टीम सी के हो गए हैं 90 नंबर्स, टीम बी के हैं 50 नंबर्स, जिसका मतलब यह हुआ कि अब जब मैं रैपिड फायर राउंड शुरू करूंगा, जिस लम्हे टीम बी ने 5वें सवाल का जवाब दे दिया वो आज का यह मुकाबला जीत जाएगी, क्यू मोबाइल के कार की उम्मीदवार बन जाएगी। बिस्मिल्लाह। तुम मुझे अच्छी माएं दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा, किसने कहा? नेपोलियन बोनापार्ट। बिल्कुल ठीक। मशहूर सैयाह मार्को पोलो का ताल्लुक किस मुल्क से था? इटली। बिल्कुल ठीक। रेड स्क्वायर किस शहर में है? रेड स्क्वायर किस शहर में है? रूस। अनारकली का असल नाम? पास। नादरा बेगम। साल का सबसे तवील दिन कौन सा होता है? 22 जून। 21 जून। CIA किन अल्फाज का मुखफ्फफ है? पास। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी कॉन्फ्रेंसिस का शहर यूरोप के किस शहर को कहते हैं? बिल्कुल ठीक। इमाम अबू हनीफा का असल नाम? पास। नोमान बिन साबित वो कौन सी सूरह है जो एक पहाड़ के नाम पर है? सूरह तूर। बिल्कुल ठीक। बॉक्सिंग का एक मुकाबला कितने राउंड पर मुश्तमिल होता है? 15 राउंड पर। वाह 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 वाह, जबरदस्त, बहुत सारी मुबारकबाद। वन एप्पल के डेस्कटॉप कंप्यूटर की आप हकदार करार पाई, दीगर इनाम आप सब लोगों के साथ जाएंगे और साथ ही आप क्वालिफाई कर गई हैं क्यू मोबाइल की इस कार के लिए। बहुत सारी तालियां, जबरदस्त। हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। प्यारे नबी मेरे नबी, प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनियाओं दी, ए नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनियाओं दी, तू ही शफाअत कियामा ए रहमतुल आलमीन। ए नबी प्यारे नबी, अगर मेरे साथ पढ़ेंगे तो मजा आएगा। ए नबी प्यारे नबी मेरे नबी, प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनियाओं दी, तू ही शफाअत कियामा ए रहमतुल आलमीन। ए नबी प्यारे नबी, देख ले मुझको जरा, तेरे दर पे हूं खड़ा,
बस ये दुआ ऐ नबी प्यारे नबी मेरे नबी प्यारे नबी कोई नहीं तुझसा नहीं ऐ उनकी अता नबी प्यारे नबी मेरे नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी कोई नहीं तुझसा नहीं ऐ रहमतुल रहेगी मेरी बेखबरी तोरे प्रीत में
खुद बुद्ध सब बिसरी, कब तक ये रहेगी बेखबरी। काहे बफिगल तुझदी त नजर, कभी सुन पे तो लो हमरी बतिया। ताजदारे हरम हो निकाहे करम हो करम, ताजदारे हरम कहना सबा। हुजूर से कहता है एक गुलाम, बस एक नजर हो, एक नजर का सवाल है। या मुस्तफा या मुस्तफा या मुज्तबा, इरहम लना इरहम लना, दस्ते हमा बेचारा रा। दामा तुई मन आसियम मन आजजम मन बेकसम, हाले मरा या शाफ़िए रोजे जजा, पुरसा तुई ए मुश्क पे जंबर निशाए के नसीबे सुबहदम। ए चार अगर ईसा नफस, ए मून से बीमार हम, मैं कासिमे पर खुंता पे तुझको उसी गुल की कसम। इन तियारी हसबा यौमन ला अर्दिल हरम, बल्लिग सलामी रौफतन फीहन नबीयुल मुहतरम। ताजदारे हरम हो निकाहे करम हो करम, ताजदारे हरम हो निकाहे करम। हम सदके बटते हैं मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले। तजल्लियों की अजब है फजा मदीने में, नमाज शौक की है इंतहा मदीने में, गमे आयात न खौफे कजा मदीने में, नमाज इश्क करेंगे अदा मदीने में, नमाज इश्क करेंगे अदा मदीने में। इधर उधर न भटकते फिरो खुदा के लिए, परागे रास्ते गेरागे खुदा मदीने में। मदीने चले आओ मदीने चले, मैं कशो आओ मदीने चले। दस्ते साथी कौसर से पीने चले, मैं कशो मदीने चले। चश्मे साथी कौसर से पीने चले, याद रखो अगर याद रखो अगर, पड़ गई एक नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। ताजदारे हरम ताजदारे हरम, ऑफ तूफान है बिजलियों का डर, ऑफ तूफान है मुश्किल है आगा
आप ही घर न ले हमारी खबर आप ही घर न ले سبحان اللہ جزاک اللہ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں واہ واہ क्या बात है जनाब क्या बात है जबरदस्त आप लोग सब ठीक ठाक हैं माशाल्लाह आज मैं गिनती हमेशा बोलता छठा रोजा इख्तियार किया ना हमने तो छठा रोजा सबको मुबारक हो और अपने इस सेगमेंट में भी जो कि इस ट्रांसमिशन का भी आज की हद तक आखिरी सेगमेंट है थोड़ी सी मेरी आवाज अगर बढ़ा सकें प्लीज और जो कि हल्ले गुल्ले में जरा होता है सेगमेंट उसकी भी इब्तिदा में हमें चाहिए कि हम ना भूलें अपने तमाम तर उन भाई बहनों बुजुर्गों बच्चों को जो कि कराची की हौलनाक गर्मी का शिकार हुए या जो कि अभी भी परेशान हैं उनकी हिम्मत और जिस हौसले के साथ वो लोग इन मुश्किलात से लड़े हैं हमने मुख्तलिफ अंदाजों को खराज अकीदत पेश किया है इस सेगमेंट के आगाज में जरा तालियों की सूरत में उनको अपने साथ का एजाज है जबरदस्त इंशाल्लाह हम सब आपके साथ हैं हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं बहुत शुक्रिया बहुत नवाजिश जरा करते हैं सेगमेंट का आगाज जनाब अली आसान सवालात से जरा आगाज करते हैं फिर थोड़ा मुश्किल करेंगे हैं सेगमेंट शुरू हुआ नहीं है और लोगों का शेर सुनाने का शौक जाग गया है अच्छा भाई इस सेगमेंट में मैं कहता हूँ कि हम्द और नात वगैरह का शेर हम इसलिए ना सुनाएं कि वो अशार अगर गलत सलत हो जाते हैं तो जरा एक तौहीन का पहलू होता है इसलिए वो नहीं ठीक है वैसे आप सुनाएं अब मुझे सवाल तो करने नहीं देंगे आप लोग शेर सुनेंगे शेर सुनाए भाई शेर जे लॉट का गिफ्ट नंबर आप है लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के ये किसका शेर है माइक होता है नहीं पता नहीं और ये कौन सी स्टोरी में है पता है आपको ये कौन सी उर्दू की कौन सी किताब में ये मालूम है आपको कौन ये कौन बताएगा मुझे है बाजी बता रही है जी बाजी मैट्रिक की उर्दू में मैट्रिक की उर्दू में और ये कौन सी स्टोरी के बाद आता है ये शेर एक स्टोरी होती है कि सच्ची हमदर्दी नज़ीर अकबर आबादी की नज़म थी सच्ची किन किन दो का वाकया है जिसके बाद ही आता है असलम और अकबर का वाकया नहीं नहीं भाई अरे नहीं असलम अकबर कहाँ से दो भाइयों का वाकया था वो टोपी दो परिंदों वरिंदों का है ये गेम कोई एक को जाना होता है दूसरा घर जा रहा होता है वो नहीं होता नहीं ये जुगनू और बुलबुल क्यों नहीं है पक्की बात जुगनू और बुलबुल वाले में कौन सा है आखिरी अच्छा मुझे लगा वो ये चले शायद मैं गलत हो सकता हूँ भाई मैं अपने अल्फाज वापस देता हूँ जे डॉट का गिफ्ट नंबर दे दी बहुत सारी तालियां इन्हें और बाजी रुकैया के पास तो पहले इतने सारे नाम आते हैं इन्हें क्या देखे करने तुम भी शेर सुना दो भाई अच्छा आपसे एक सवाल पूछा शेर सुना दो भाई उसके बाद फिर भाई तालियां सब बजाएंगे जब कोई जवाब देगा ठीक है ना हाँ डब्बे में डब्बा डब्बे में केक हमारे वसीम भाई लागू में ये शेर कल भी सुनाया गया था ये शेर आपने कल तो नहीं सुना था नहीं यानी एक इस मुल्क में एक से ज्यादा लोगों के ख्याल में मैं लाखों में एक हूं मेरे लिए बहुत सारी तालियां बजाएं जाओ भाई कुर्ता कॉर्नर का गिफ्ट हैंपर देने ये ले भाई अब मुझे सवाल तो करने ना कोई आप भी कुछ सुनाएंगे मुझे आखिरी सुना ले मैं सवाल कर लूंगा दिल धड़क रहा है दिल धड़क रहा है अच्छा ये घर से लिख कर आई माइक में तो बोले बहुत मुश्किल से ढूंढा मैंने किसे इसे क्या है ये लड़की बहुत खूबसूरत थी इकबाल बार बार उसे देख रहे थे कि लड़की बोली अपने से ऊंचा जो सनम देखते हैं जिंदगी में रंजो अलम देखते हैं इस पर हाथ काप रहे हैं आपके हाँ क्यों बस आपके सामने हाथ क्लोजअप करो हाथ का क्लोजअप हाथ पकड़ ले हाथ काप रहे हैं इस पर इकबाल ने जवाब दिया इस पर इकबाल ने जवाब दिया अच्छा न तुझ से गर्ज न तेरी सूरत से गर्ज हम तो बनाने वाले का कलम देखते हैं
अच्छे वाले गिफ्ट दीजिएगा। ये क्या था? बहुत मुश्किल से ढूंढ। अच्छा क्या था ये तो बताएं। शेर है ना। अच्छा पीछे भी कुछ लिखा है, वो भी सुनाओ। ये भी सुनाना है? हाँ। तो सेगमेंट हम खत्म करने पे? नहीं ना, सुन लेना, अच्छा है। ये मैं सुना देता हूँ। अच्छा सुना। लड़की राइटिंग पसंद नहीं आएगी इस तरह की बातें हैं। अपने से ऊंचा जो सनम देखते हैं जिंदगी में, रंजो अलम देखते हैं। फिर इकबाल ने जवाब दिया, ना तुझसे अर्ज की है मैंने, ना तेरी सूरत से गर्ज है, हम तो बनाने वाले। ये शेर है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, तालियां हो जाए इस बात पे। बजा दे भाई तालियां इनके लिए। दे रहा हूँ इनाम, दे रहा हूँ आपको भाई। इन्हें कुर्ता कॉर्नर और ब्रिज पावर का गिफ्ट टेम्पर दे दी। बहुत सारी तालियां इनके लिए। अच्छा भाई शेर, अब सवाल तो करने दे मुझे। एक सवाल है जिसके जवाब में है क्यों मोबाइल, जिसके जवाब में क्यों मोबाइल के साथ साथ है सोगो आयरन, जिसके जवाब में क्यों मोबाइल के साथ साथ है फाइव स्टार पिलो, तकिया, तकिया भी देंगे आपको। तमाम तर जरूरियात जिंदगी का ख्याल रखा जा रहा है, तकिए का शॉर्ट बनाया जाए अगर बना सकते हैं, तकिया देंगे आपको। जिन पे तकिया था, ये मुकम्मल करें इसको, जिन पे तकिया था वो उनको माइक दे जरा, वो पीछे वाले नजीर भाई को। जी भाई। जिन पे बेड पे तकिया था हैं? बेड पे तकिया था वो भाई, एक ये एक जुमला है, इसको मुकम्मल करो। जिन पे तकिया था, मेरे सर के नीचे तकिया था। इनको दे भाई, आबिद को दे, वो पत्ते हवा देने लगे। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। वाह बिल्कुल ठीक, बहुत सारी तालियां, तालियां बजाएं मारूं आप लोगों के पास। अच्छा जी, कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? कोई मुझे सवाल ही नहीं करने देता, सबको शेर। क्या सुनाएगी? सुना भाई सुना, मैं आता हूँ। उसके नीचे भैया चार चाबी थे, वो चलती है पापा पापा करती है, दाएं बाएं पीछे जाए और मुंह मुझे। वाह वाह वाह, बहुत सारी तालियां, हाई स्पीड का गिफ्ट टेम्पर। इन्होंने कहा शेर सुना रही हूँ, पसंद ना आए तो गिफ्ट मत दीजिएगा। नहीं आया पसंद मुझे, अभी तो सुना ही नहीं आया। अच्छा अच्छा, शेर नहीं सुना रही, आजाद नाम सुना रही हूँ, अमजद इस्लाम अमजद की। छोटी सी, इतनी सी, छोटी है, इतनी सी है, ठीक है। खुशबू की पोशाक पहन, पसंद नहीं आई, सुन तो ले। अच्छा अगर तालियां बजाएंगे पसंद आई या नहीं आई, ठीक है। खुशबू की पोशाक पहनकर कौन गली में आया है, खुशबू की पोशाक पहनकर कौन गली में आया है, क्या ये पैगाम रसा है, क्या क्या खबरें लाया है, क्या ये पैगाम रसा है, क्या क्या खबरें लाया है। खिड़की खोल के बाहर देखो, मौसम मेरे दिल की बातें तुमसे कहने आया है। शेर पसंद नहीं आया है, मैंने तो नहीं बजाई ताली। अरे नहीं, आपने, आप लोग सब बहुत काबिल एहतराम है, तो मैं ऐसी हंसी मजाक कर लेते हैं। जनाब इनको ABG जीन्स और SBG के गिफ्ट हैंपर दीजिए। बहुत जबरदस्त, बहुत सारी तालियां। अच्छा भाई जरा मैं, अच्छा जरा ABG जीन्स के गिफ्ट हैंपर के सवाल। LOC से क्या मुराद है? LOC जल्दी बताएं, LOC बताएं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। NOC नहीं कह रहा, LOC। LOC की नहीं पता। आए हाय, गिफ्ट हैंपर दे रहे हैं, ABG जीन्स का गिफ्ट हैंपर। LOC बताएं, LOC बताएं क्या होता है। हाँ, लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC से मुराद है लाइन ऑफ कंट्रोल, ABG जींस का गिफ्ट हैंपर। अच्छा भाई, ये सवाल है जिसके जवाब में है क्यों मोबाइल, ये सवाल है जिसके जवाब में है यूनिक का सीलिंग फैन, और ये सवाल है जिसके जवाब में भी है तकिया। तकिया, बहुत सारे तकिए हो गए, हम सब देंगे। कोई बरतानिया की उस दरगाह का नाम बता सकते हैं जहां से कायद आजम ने तालीम हासिल की थी, कानून की तालीम हासिल की थी? है जी, मदरसतुल इस्लाम। ये बर्तानिया में, मैं कह रहा हूँ बर्तानिया की उस यूनिवर्सिटी का नाम बताएं। वो कह रही है बरकतुल इस्लाम, रौनकुल इस्लाम, मदरसतुल बर्तानिया में, ऑक्सफोर्ड, जहां से कानून की तालीम हासिल की। अच्छा एक मिनट ना, क्या सवाल चेंज कर दूं, इसी का जवाब दोगे? अच्छा बैठो बैठो बैठो, बताएं बताएं, वैसे यहीं से बता दें। बर्तानिया की उस यूनिवर्सिटी का नाम है लिंकन। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत सारे इनाम, और इन्होंने भी सही जवाब दिया था, तो एक गिफ्ट हैंपर इनको भी दें जनाब। मैं ऊपर आ रहा हूं, वक्त कम है जरा, बहुत सारी तालियां। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? आप नाराज हैं? आपने इतना गुस्से से क्यों देखा? नहीं, भाइयों को ऐसे देखते हैं? मैंने तो खुश होकर देखा है आप। मुझे लग क्यों नहीं रहा? आपके एक्सप्रेशन हमेशा ऐसे ही रहते हैं? नहीं। अच्छा, पाकिस्तान के वजीर इत्तेलात का नाम बताएंगे मुझे? तुक्का लगा ना,
कुछ भी कह दे, नहीं पूछना नहीं, आपने बताना कौन है। अंदाजन ऐसे ही बता दे, नहीं बताएंगे। पाकिस्तान के वजीर इत्तिलात का नाम? शाजिया मरी। शाजिया मरी। पाकिस्तान के वजीर इत्तिलात का नाम शाजिया मरी। आपको पता है जब आप लोग गलत जवाब देते हैं ना, मुझे कंट्रोल रूम से आवाज आना शुरू होती है, हमारे कैमरामैन एहतजाज बुलंद करते हैं इसमें। भाई आप चेहरे नोट कर लें जो जवाब दे रहे हैं ना, चाहे सही जवाब हो या गलत जवाब हो, गिफ्ट हैंपर्स हमने सबको देने, ठीक है? गिफ्ट हैंपर्स सबको देने। अरे पहले वजीर इत्तिलात का तो फैसला हो जाए एक दफा। ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ, इस मुल्क का वजीर इत्तिलात कौन है? चौधरी निसार अहमद। चौधरी निसार, उनको दे माइक। माइक खोले जरा। परवेज रशीद। परवेज रशीद, बिल्कुल ठीक, बहुत सारी तालियां। जे डॉट का गिफ्ट हैंपर दे दी। पाकिस्तान की उस बेटी का नाम बताएं जिसे अमन का नोबेल प्राइज दिया गया था। इससे आसान सवाल तो नहीं हो सकता ना, बताओ भाई। मलाला यूसुफ। हैं? मलाला। मलाला यूसुफ जई, बिल्कुल ठीक, बहुत सारी तालियां जी। अच्छा भाई शेर, नहीं नहीं एक सवाल जरा बड़ा सवाल, जिसके जवाब में है क्यू मोबाइल, वीनस चेयर एंड टैबलेट जेट और तकिया। तकिए बहुत हो गए हैं, तकिए बताएं। एनजीओ बताएं क्या होता है एनजीओ, इतना आसान सवाल। एनजीओ ये भाई ब्लैक को, भाई ब्लैक। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी तालियां और बहुत सारे नामाज। इनके बराबर वाले भाई को भी एक गिफ्ट हैंपर दीजिएगा। अच्छा जी ये बताएं, अब जरा सुने माहौल, सुने माहौल, सुने। हवा जो है वो चल रही है शुमाल से जनूब की तरफ जी। अरे हवा तो चलने दो, क्या आपने जवाब दिया ना अभी, तो वो देंगे आपको। आपको इन पर एतबार नहीं है, इस शरीफ आदमी पर आपको एतबार क्यों नहीं है? हैं यार तुमने ऐसा कहा, ये तो गलत बात है यार, ऐसे नहीं करो यार। अच्छा हवा जो है वो चल रही है, आप लोग जरा देखते रहिए कौन लोग जवाब दे रहे हैं ताकि गिफ्ट सब, ठीक है? हवा जो है वो शुमाल से जुनूब की जानिब चल रही है, और एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो जुनूब से शुमाल की तरफ जा रही है, जिसकी रफ्तार है 300 किलोमीटर पर आवर। तो आप बताएं कि उसका धुआं किस तरफ से किस तरफ जाएगा? ये भी आता है, बड़ी बात है भाई, बड़ी गेम है आपकी। तो ये सही जवाब देंगे मुझे पता है। ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ नहीं, बच्ची बताएगी। नहीं होता है? नहीं होता। क्या नहीं होता? अबू से पूछ के बताओ क्या नहीं होता। धुआं नहीं आएगा। किसका धुआं नहीं होगा? हाँ इलेक्ट्रिक ट्रेन का धुआं नहीं होगा। इलेक्ट्रिक ट्रेन का धुआं नहीं होगा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी, बहुत सारे नामाज इनके लिए। अच्छा जी एक और सवाल, इसके जवाब में है, इसके जवाब में है, नहीं नहीं इस सवाल के जवाब में तो बहुत सारे नामाज थे यार, क्यू मोबाइल, वीनस चेयर और फाइव स्टार पिलो। सवाल सुन के मैं अगला सवाल कर रहा हूँ, इसके भी नामाज सुन लें। क्यू मोबाइल है, फाइव स्टार पिलो है और सुरमा वाला स्टील फेशियल है। फेशियल, फेशियल की स्पेलिंग बताए होगी मुझे, फेशियल की स्पेलिंग पे नाम देंगे। FACIAL FECIAL FACIAL FACIAL सोच लें। हाँ ये फेशियल। हाँ हाँ फेशियल, पक्की बात है? आप करवाती हैं? शौक से करती हूँ। इनाम दिया जाए आपको। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी, बहुत सारी तालियां बजा दें इनके लिए। शेर, शेर सुनो। अच्छा माइक पे तो बताएं, यहाँ पे देखिए ना कैमरा, तुम तो बैठे हो, क्या क्या अपने हस्बैंड को डेडिकेट कर रही हूँ, ये अशआर हैं गाने के। तुम क्या अपने हस्बैंड को डेडिकेट कर रही हूँ? तो आपको वैसे नहीं मौका मिलना डेडिकेट करने, इससे ज्यादा अच्छा मौका मिलता है। नहीं तो आप घर जाएंगे तो घर जाके डेडिकेट कर देंगे, इससे ज्यादा अच्छा मौका नहीं। कैमरे पे भाई प्लीज। आपने पहली दफा उनको कोई शेर कब डेडिकेट किया था? मैंने किया तो था मेला रेस्टोरेंट में, कहीं किया था। हैं? मेला रेस्टोरेंट में। मेला रेस्टोरेंट में कितने कब की बात है? काफी साल हो गए। शादी को कितना अर्सा हो गया? शादी को 14 साल। 14 साल हो गए। हस्बैंड को डेडिकेट कर दिया। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। नहीं तो मैंने कब कहा, मैंने आप मैंने कब शक का इजहार किया उनपे? सही है। आप क्यों मुझे बता रही हैं बहुत अच्छे हैं? मैंने कोई शक का इजहार किया उनपे? बहुत अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे, थोड़े अच्छे हैं, बहुत बहुत ज्यादा बहुत गुजरने के साथ। पहले नमाजी हैं, बहुत नमाजी, पक्के नमाजी, तहज्जुद इशराक चार सब पढ़ते हैं। वाह वाह, कोई नमाज आज तक मेरी जब से शादी उनकी छुट्टी नहीं है। 14 साल। आंधी आया, तूफान आया, ऑपरेशन हुआ, उनका सब कुछ हुआ, नमाज नहीं छूटी। अरे वाह वाह, ये तो बच्चे नाथ में बहुत अच्छे पढ़ते हैं, बच्चों को
ऑपरेशन भी हो चुका है। बच्चा गवाह इस बात पे, क्या बच्चे का ऑपरेशन में कैटिक था, लेकिन ऑपरेशन हो गया माशाल्लाह। वाह वाह, मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूंगा, मुझे कभी भी नहीं मौका मिला। अच्छा आज मिल गया मौका यार, बताओ सुनाओ। थोड़ा अनसेंसिबल शेर है ऐसी भाई, मतलब जरा देख लो, मतलब लाइव जा रहे हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। हाँ गयो जबरदस्त। अब अम्मी शेर सुनाएंगी, अम्मी का शेर। हस्बैंड को डेडिकेट कर रही हूँ। अरे मैंने आप मतलब ये बात 500 ही मतलब क्यों बता रही हैं आप? एक मिनट मैं एक वजाहत कर दूं, बताएं। नहीं, किसको डेडिकेट करें? हस्बैंड को। क्लियर हो गया सबको भाई? सबको मालूम हो गया? सबको? अगर मैं गई तो अपने हस्बैंड की वजह से जन्नत में जाऊंगी, यकीन करें। मेरे हस्बैंड बच गए। अच्छा शेर शेर सुना रही है? तरन्नुम में सुना दूं। किसके लिए सुना रही है? अपने हस्बैंड के सुना। तरन्नुम तरन्नुम। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। ये शेर है। मैं तो मर कर भी शेर है। मेरी जान तुझे। चलो गजल सुना दी शेर के बदले, लेकिन चले कोई बात नहीं, आपके लिए और आपके लिए है एक क्यू मोबाइल का तोहफा और एक 5-स्टार पिलो। बहुत सारी तालियां इन दोनों के लिए जनाब। गजल सुना दी शेर का कह के, लेकिन चले कोई बात नहीं, अगर जिंदगी रही, अगर सेहत रही तो आपसे मुलाकात होगी शान रमजान की इफ्तार नशरियात में दोपहर 2:30 पर। और जाते जाते भी यही दुआ कि अल्लाह ताला अहलियाने कराची की मुश्किलात आसान करें, अल्लाह ताला इस गर्मी की तमाजत में कुछ अल्लाह ताला का करम हो और इंशाल्लाह अब्र रहमत बरसे और उससे गर्मी का जोर टूटे। जिंदगी रही सेहत रही तो मिलते हैं 2:30 पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान। खुश आमदेद जनाब, रोज़ा कुशाई का सेगमेंट नहीं, रोज़ा रखाई का सेगमेंट है ये। और इसमें हमारे वो कुछ नन्ने मुन्ने दोस्त मौजूद होते हैं, नन्ने मुन्ने कह लीजिए, थोड़े बड़े होते हैं, ये मेरा टॉक बैक बंद कर दीजिएगा प्लीज, जो कि रोज़ा इख्तियार करते हैं। और ये हमारा एक दोस्त हमें कल नज़र आया था, कल मैंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया था, मैंने कहा था ये वही आदमी है जो पिछले साल भी लोहे कुरानी में आया था, मैंने कहा इसको तलब किया जाए, इनको शाने शहर में बुलाया जाए। क्या हाल है? ठीक। क्या चल रहा है आजकल? सही चल रहा है। सब सही? ओके। ये मैंने बुलाया, तुम इसलिए आए हो यहाँ पे? ये पता है? नहीं नहीं पता, अभी आपने बताया तो पता है ना। तो वरना आप क्या समझ रहे थे कि क्यों आए हो यहाँ पे? उन्होंने बोला था कि तैयार होकर आया। थोड़ा ऊंचा तो बोला यार। उन्होंने बोला कि तैयार होकर आया। किसने बोला? उन्होंने बोला कि तैयार होकर आया। तो तैयार होकर आ गए? तो तुम्हें कोई भी कहीं भी कहता है तैयार होकर आ जाओ, तैयार होकर आया? तो नहीं। तो यहाँ क्यों आया? खास बंदों के यहाँ जाते हैं। खास बंदों के यहाँ जाते हैं। खास बंदों के लिए? थोड़ा ऊंचा बोलो यार। खास बंदों के लिए। तो पता कैसे चलता है कि जो मुझे बुला रहा है वो खास बंदा है कि आम बंदा है? वसीम भाई आप खास बंदे तो आपके कहने पे आया हूँ। अभी तो तुम कह रहे थे कि यहाँ आके पता चला है, आपने बताया तो पता चला कि आपने बुलाया? तो आपने बुलाया जब तो आया हूँ ना। वो तो तुम्हें यहाँ आके पता चला ना? हाँ। लेकिन तुम कह रहे हो कि मुझे तो अगर पता चले कि खास बंदा बुला रहा है तो मैं आता हूँ। पहले तुम कह रहे हो कि यहाँ आया तो पता चला आपने बुलाया, फिर कह रहे हो आपने बुलाया था इसलिए आ गया। अब ये क्या सच क्या है इसमें? तो एक ही बात हुई ना कि बुलाया तो आया हूँ ना। तो भाई कब पता चला कि मैंने बुलाया है? अभी अभी। तो जब फोन आया हाँ, तब क्या लगा कि किसने बुलाया? जब किसी का नहीं। तो फिर क्यों आए? गड़बड़ हो गई जरा, है ना, ये थोड़ा सा गेम खराब, कंफ्यूज कर दिया मैंने। तो आज का मैच मैं जीत गया। हाँ। रोजाना मैच खेलेंगे, सही है? रोजा वोजा रख रहे हो? हाँ, अभी तो नहीं रखा, अभी पहला रखा। पहला रख रहे हो आज या आखिरी तो नहीं रख रहे? नहीं नहीं पहला पूरा करना है भाई। हाँ। ये कोई
दो नंबर की उम्र चलेगी इसमें, पक्की बात है जी? अगर रोजा नहीं हुआ आज हाँ। क्यों मोबाइल वापस कल वाला? नहीं रोजा रखूंगा मैं, पक्की बात है ना? हाँ। प्रॉमिस ठीक हाँ। है कल भी आओगे ना फिर? हाँ। इफ्तार पे आ रहे हो? हाँ। कौन बुला रहे हैं आप? ठीक है इफ्तार पे भी आ रहे हो, बहुत सारी तालियां। नाम क्या है? नाम भूल गया। वासिफ है। वासिफ तो आसिफ क्यों नहीं है? पता नहीं किससे रखा है दादी ने। वासिफ का मतलब पता? नहीं। ये किस तरह का नाम है मतलब ही नहीं पता, कल मालूम करके आना मतलब। सही है, पक्की बात है? पक्की बात कर लूँ कुछ और लोगों से? कर लें। कोई एतराज तो नहीं आपको? नहीं नहीं। इजाजत है? इजाजत है। तशरीफ रखें, बहुत सारी तालियां वासिफ के लिए भाई। अस्सलाम वालेकुम। कोई जवाब ही नहीं दे रहा यार, सलाम क्यों नहीं दे रहा कोई जवाब? अच्छा कैसे हैं आप लोग? ठीक है खैरियत से हैं? रोजा रख रहे हैं आप लोग सब माशाल्लाह? वेरी गुड वेरी नाइस। वैसे ये बताएं आजकल जो है, आप बताएं, बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है बहुत ज्यादा या गर्मी हो रही है? बहुत गर्मी हो रही है। बहुत गर्मी हो रही है ना जी। और लाइट भी नहीं है? लाइट तो बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने अल्लाह मियां से दुआ की है, प्रे किया है जी? क्या बहुत दुआ करिए कि अल्लाह ताला लाइट आ जाए, लाइट आ जाए और बारिश हो जाए, और बारिश हो जाए और गर्मी चली जाए, सही हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, खत्म हो जाए है ना। मैं दुआ करता हूँ, सब मिलके आमीन कहेगा ठीक है, कि ए अल्लाह जल्द अज जल्द इस गर्मी की जो शिद्दत है उसको कम कर दे। जबरदस्त वेरी गुड। और अपना अब्र रहमत बरसा दे। अच्छा लेकिन गर्मी तो हो रही है, और आपको पता है ना बहुत सारे लोगों की डेथ्स भी हो गई हैं गर्मी की वजह से। ये पता है बहुत सारे लोग मर गए हैं और बहुत सारे लोग इसकी वजह से बीमार भी हो गए हैं, और बहुत सारे लोगों को पानी पीना होता है उनको वो नहीं मिलता। तो ऐसा करते हैं कि आज एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि अब मौसम तो अल्लाह ताला है ना, हमारे तो हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमारे हाथ में भी होती है ना। तो ये बताएं कि जो लोग जिन लोगों को गर्मी लग रही है, जिनको पानी पीना होता है और पानी नहीं मिल रहा है ना, हमें उलमा ने बताया कि अगर किसी की जान को ख़तरा हो जाए ना फिर वो रोज़ा तोड़ सकता है। अगर उसको ऐसा लगे कि अब मेरी वफात हो जाएगी, इंतकाल हो जाएगा अगर मैंने रोज़ा ना तोड़ा तो, इख्तियार किए रखा। अभी उलमा से और भी पूछेंगे। तो हम क्या हेल्प कर सकते हैं ये सोच के बताएं कि भाई थोड़ी सी ना हेल्प हमको भी करनी चाहिए ना। जो लोग इतने परेशान हैं, हम सिर्फ अपने टीवी प्रोग्राम में बात करें और चले जाएं इस तरह तो मज़ा नहीं आएगा ना, थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए। तो वासिफ क्या हेल्प हो सकती है यार, कुछ सोचो कुछ बताओ। दोबारा बोलिएगा सुनो। कोई हेल्प किस तरह कर सकते हैं ये लोगों की, परेशान लोगों की मदद करनी चाहिए। मदद तो करनी चाहिए, कैसे करें? कि उनको कोई, अगर उनका रोजा टूट जाए तो आप तारी उनके घर पर भेज दें, पानी वानी पिला दें। हाँ, और पानी वानी, खाना वाना खिला दें। खाना, पॉकेट मनी कितनी है आपकी? मेरी 20 रुपीज जी। थोड़ी सी दे दो यार, थोड़ी सी पॉकेट मनी का वादा करो कि ये है ना, ये मैं, ये जो लोग परेशान है ना उनको, अम्मी को दूंगा कि अम्मी आप ये जो है ना दे दें जरूर। इंशाल्लाह। कितने लोग हैं? 10 रुपए। पक्की बात जी? 10 रुपए। हाँ। आधी पॉकेट मनी जी। प्रॉमिस? ये चीज, बहुत सारी तालियां दी वासिफ के लिए। वासिफ ने आधी पॉकेट मनी दे दीजिए ठीक है। तो हम लोग सब जो है वो कोशिश करेंगे कि अपनी पॉकेट मनी से ना थोड़े थोड़े पैसे, 2 रुपीज 4 रुपीज 5 रुपीज वो इनको दें ठीक है। आप भी करेंगे? पक्की बात है? चलें ठीक है। फिर इफ्तार में आप लोगों से होगी तफसील से बात। आप ब्रेक लेंगी? हाँ लेने। और आप लोगों के लिए है ब्रिज पावर की जानिब से, डियर की जानिब से, हाई स्पीड की जानिब से, करशी की जानिब से और सूफी की जानिब से बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स भी। ये क्या? ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ ब्रेक में दे दूं या अभी दूं? अभी। वो कह रहे हैं ब्रेक ले लो, पहले क्या काम करूं? अभी ले लो। ब्रेक ना लूं? नहीं। अगर इन्होंने मुझे निकाल दिया इस बात पे तो? नहीं निकालेंगे। ब्रेक लेके कर दूं अगर? नहीं। अभी अभी एक 2 मिनट बाद, अगर 2 मिनट बाद दे दूं? जी 2 मिनट बाद देते हैं आपको ठीक है जी। जनाब एक छोटे से वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद होंगे, एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم۔ عزیزان گرامی، ہمارے مہمان اس وقت سحری کر رہے ہیں،
उलमाए किराम हमारे साथ हैं और आज मुझे एक वो ये कि हमारे मेरे बड़े हर दिल अजीज अल्लाह इनको बहुत बहुत जजाय खैर दे, प्रोफेसर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, इनकी एक किताब है, ये देखिएगा, वर्ल्ड पीस ऑर्डर। इस किताब की वजह से डॉक्टर साहब को एम्बेसडर ऑफ पीस का अवार्ड भी मिला है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपको मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। उनके साथ तशरीफ फरमा है मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब, और ये जो हमारी सैरी मेरे भाई और बहन खा रहे हैं, इसकी स्पॉन्सरशिप की है मीजान स्प्रिंगले ने, करशी मिनरल वाटर ने, करशी जामे शीरी ने। आप हजरात को भी अल्लाह बहुत जजाय खैर दे, आपने हमारी सहरी का इंतजाम किया। हजरात गिरामी, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق كمثل الذي ينعق بما لا يسمع كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء إلا So
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और जब उन लोगों से कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है उसकी पैरवी करो तो कहते हैं नहीं, हम तो उसी चीज की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। भला अगरचे उनके बाप दादा कुछ भी ना समझते हो और सीधे रास्ते पर ना भी हो, तब भी वो उन्हीं की तकलीद किए जाएंगे। जो लोग काफिर हैं, उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जो किसी ऐसी चीज को आवाज दे जो पुकार और आवाज के सिवा कुछ न सुन सके। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि कुछ समझ। तमाम निजाम दुरूद और सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल और उनके असहाब पर। टेलीविजन सेट्स के सामने बैठे तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम, और आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ आवरी का। हमें अंदाज़ा है शहर में एक बड़ा हब्स का माहौल है, एक घुटन का माहौल है, अच्छी खबरें कम हैं, लेकिन ऐसे में जब आप लोगों के हम ज़रा हंसते खेलते मुस्कुराते चेहरे देखते हैं तो हमारी बड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। कारी भाई जफर कासमी साहब, आलमी शोहरत याफ्ता नात खां कारी ने हमारी इस बज़्म का बाकायदा आगाज किया। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं एक और आलमी शोहरत याफ्ता नात को शायर जनाब सबीहुद्दीन रहमानी साहब, उनसे भी कलाम सुनेंगे। कुछ लम्हों के लिए हमारे साथ वाया स्काइप कनेक्शन हमारे एक मेहमान भी मौजूद होंगे। और उससे पहले दिल हमारे सबके दुखी हैं, ये एक बड़ा अजीब व गरीब अनाउंसमेंट है जो जुनैद भाई ने करना है, लेकिन अब हैं हालात इस तर्स के कि हमें नहीं पता था हम शायद रमज़ान के पदाई इशरे में इस तर्स का ऐलान भी कर रहे होंगे, लेकिन ये है ये ऐलान जुनैद भाई का, और उसके बाद फिर हम ज़रा आगे बढ़ाते हैं गुफ्तगू। जी वसीम, ये एक टेलीफोन नंबर है ख्वाजा गरीब ट्रस्ट, ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट का 02134131792। तो इनकी तरफ से ऐलान है कि अगर शहर में खबर नहीं मिल रही अपने किसी रिश्तेदार के लिए, इस नंबर पर फोन करें 02134131792। ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट वालों का ये कहना है कि आप आए, हम आपकी मदद करेंगे और बगैर किसी खर्चे के आपके लिए खबर का बंदोबस्त किया जाएगा। आज मेरी कुछ उलमाए कराम से वसीम बात हो रही थी, मेरे बड़े मोहसिन भी हैं, बड़ा ताल्लुक भी है मेरा उनसे, मौलाना ताहिर शफी साहब भी और उनके साथ के कुछ और उलमाए किराम भी, हम बैठे हुए थे तो मैं बैठा हुआ था तो उनका मुझे फ़ोन आया, मुझसे कह रहे थे कि कराची के सारे माहौल पर ये हजरात बड़ा अफसोस कर रहे थे, तो फरमा रहे थे कि लोगों से ये कहो कि जो हमारे मजदूर खास तौर पे जो हमारा पठान तबका है, दीनदारी का एक ज़्यादा माहौल है वहाँ पर, तो रोज़ा छोड़ने का इनके यहाँ तसव्वुर ही कोई नहीं होता। अब ये रोजाना सुबह बाहर निकलकर अपने हाथों से काम करते हैं और घर में बच्चे बैठे हुए होते हैं, भाई अगर खुदा ना करे अल्लाह ना करे डिहाइड्रेशन हो गई और मौत वाकई हो गई तो कजा भी नहीं अदा कर सकते और बच्चों को भी तकलीफ। तो फरमा रहे थे भाई के उलमाए किराम की तरफ से ये पैगाम दो लोगों को कि लोग ये अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी, अगर डिहाइड्रेशन महसूस करें, अगर ये एहसास हो कि मैं बेहोश होने वाला हूं, फौरन पानी पी लें और बाद में अपनी कजा कर लें। तो ये मैं पैगाम देना चाह रहा हूं सारे सुनने वालों को कि भाई अपनी जान बचाना फर्ज है, जान बचाना रोजा फर्ज है, लेकिन जान बचाना फर्ज है। इसलिए मेरे भाइयों इसमें कोई बड़ी आर नहीं, बाद में कजा अदा कर लीजिएगा। स्काइप पे हमारे साथ जी हां मौजूद हैं, आइए देखते हैं कौन है मौजूद हमारे साथ स्काइप पर। दिखाइए जी कौन है और कहां से है। जी बहन अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं?
अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आपकी तबीयत ठीक है? जी मैं ठीक। भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से हैं बहन, जरा बताइएगा। मैं ऑस्ट्रेलिया पर्थ से बात कर रही हूँ। ओ माय गॉड, ओ दुनिया का पिछवाड़ा, पर्थ गर्म शहर, बिल्कुल। कैसी हैं आप, और वो वहाँ पर रोजे कैसे चल रहे हैं? अल्लाह का शुक्र यहाँ पे रोजे बहुत अच्छे हैं, हमारे रोजे ठंडे हैं, रोजों का पता ही नहीं चलता। ये आपको पता है कि इस वक्त वहाँ सर्दी हो रही है, पता है आपको वहाँ शदीद सर्दी हो रही है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये कुछ अल्लाह का अजीब। आज हमारा 3 डिग्री सेंटीग्रेड है इस वक्त। अच्छा, तो एक थोड़ी सी सर्दी भिजवा दो इधर हमारे पास, थोड़ी सी गर्मी ले लो हमसे, कुछ इस तरह कर लो। आपको पता है काफी लोग यहाँ कराची के शहीद हो गए इस गर्मी के अंदर, तो वहाँ आप लोग कितने बजे सैरी करते हैं? हम अभी सैरी कर चुके हैं और अभी हाफ एन आवर है अजान होने में, और आज हमारा बहुत दिन रोजा अच्छा नहीं गुजरा, बहुत परेशान थे मेरे अम्मी अब्बू और सब फैमिली कराची में ही है, तो बहुत परेशान थे, आज सबसे बात की और बहुत हमने उनके लिए दुआ की। चलिए आप हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, पर्थ बहुत अच्छा शहर है। मेरी एक बहन होती है वहां पर अमीरा के नाम से, और एक मौलाना है मौलाना बुरहान साहब, जो अपना वहां पर जनरली जो लोग बाहर से आते हैं उनका बड़ा एहतमाम करते हैं। सबको सलाम कहिएगा आप, और हम सब की तरफ से जो देखने वाले हैं आपको बहुत बहुत रमजान मुबारक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी सभी भाई, मिजाज क्या सुनाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। शुरू करें? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हम मुंतजर हैं। वो जिसके लिए आपने हुक्म दिया, और आज माशाल्लाह मिलकर पढ़ने का मौका भी है, और साथ वसीम हो तो फिर मुझे ये कलाम पढ़ना नहीं पड़ता, सुनना पड़ता। वाह वाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मिलकर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखो देखो तो देखे जाओ बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को वाह वाह वाह, कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को, हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर। मिलकर अल्लाह मौला।
अता चाहता है बख्शिश के तालिब पे अपना करम कर अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सुभान बात और वो नार जिसके लिए आज पाबंद कर दिया रो भाई ने मुझे हुजूर किसके कहे कि सुन ली जाए सलाम के खैर लना
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, جزاک اللہ, بہت نوازش سبھی بھائی. اور انشاءاللہ ابھی رمضان میں بڑے دن ہیں, مطلب شان رمضان کے بھی مزید اور ایپیسوڈز ہیں. وقتاً فوقتاً ہم یہ سعادت حاصل کرتے رہیں گے کہ سبھی بھائی یہاں آتے رہیں اور انشاءاللہ محفل کو مزید منور کرتے رہیں. اسی دعا کے ساتھ بریک پہ جاتے ہیں کہ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. ماشاءاللہ, ایک وقفے کے بعد آتے ہیں. واہ واہ واہ. شان علم میں خوش آمدید. یقیناً ہم سب کے دل دکھے ہیں, ہم سب کے دل دھڑک رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ سانحہ کراچی کا شکار ہوئے, لیکن ہماری یہ پوری ٹرانسمیشنز انہی کے نام ہیں. آج ہم نے اسی لیے شان افطار میں نہیں کیا تھا اپنا کوئز کا سیگمنٹ. ابھی آئیڈیا صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنی خوشیاں, اپنی مسکراہٹیں بھی سب کچھ انہی کے نام کی ہوئی ہیں. یہ ایک ایسا سیگمنٹ ہے کہ جس میں ہم تھوڑا ہنس کھیل بھی لیتے ہیں اور اپنی معلومات میں بھی اضافہ کر لیتے ہیں, اس لیے شان علم ہے آج کی نشریات کا بھی حصہ. شان علم کے آج کے ہمارے تین پارٹیسپینٹس ہیں جناب, اور اس کے علاوہ ونرز کے لیے بھی ہیں ڈھیر سارے انعامات. تو ہماری آج کی پہلی ٹیم ہے کیسبٹ سے ہنا حفیظ اور حفصہ حفیظ. دوسری ہماری ٹیم ہے پی سی ایچ ایس کالج سے جویریا صدیقی اور صوبیہ صدیقی, اور پی ایف کیٹ سے ہیں مومل بوگیو اور مرتضی علی بوگیو. ہمارے تینوں مہمانوں کے لیے بہت ساری تالیاں تینوں ٹیمز کے لیے. آج کے تمام پارٹیسپینٹس کے لیے تحفہ ہے کیو موبائل کا, برج پاور کا, کرشی کا, ہائی سپیڈ کا. آج کے ونر کے لیے ہے جناب ون ایپل کی جانب سے ایک ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر, اور آج کا ونر کوالیفائی کرے گا شان علم کے فائنل راؤنڈ کے لیے. اور شان علم کا جو فائنل راؤنڈ کا ونر ہے اس کے لیے تحفہ ہے ان کے عقب میں کھڑی کیو موبائل کی گاڑی. Oh my God. پہلا راؤنڈ, تین سوالات تینوں ٹیموں سے باری باری, جس سے سوال کیا جائے گا صرف وہی جواب دے سکتا ہے. تو اگر آپ کو جواب آتا بھی ہے تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. دس نمبرز ہر صحیح سوال کے جواب پر, غلط جواب پہ کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے ذرا تالیوں اور کاؤنٹ ڈاؤن کی صورت میں, لیکن جواب دینے کی صورت میں کسی کا ساتھ, تھینک یو, کسی کا ساتھ. اچھا, مجھے لگا کسی نے کہا کہ دینا ہے. ٹیم اے سے ہم کرتے ہیں آغاز, شروع کریں جی. تین سوالات ہوں گے آپ سے. قائد اعظم محمد علی جناح کی آخری آرام گاہ کہاں واقع ہے؟ مائک ہاتھ میں لے کے جواب دیجیے گا. کراچی میں. کراچی میں, اچھا ٹھیک ہے, صحیح. میں کچھ اور سمجھ, ٹھیک ہے, چلے جواب بالکل درست ہے, تالیاں بجا دیں. آپ کو یہ تو نہیں سوچے گرو مندر کے قریب؟ میں وہ زیارت ریزیڈنسی اور اس سوال کی طرف جانا چاہ رہا تھا, میں نے پھر خود ہی اپنا سوال چینج کر دیا اس لیے. بالکل ٹھیک ہے جناب. اچھا, قائد اعظم کی آخری آرام گاہ جو تھی, یعنی کہ ان کی زندگی کے جو آخری ایام جہاں گزرے, یعنی کہ قائد اعظم ریزیڈنسی جو کہ زیارت میں ہے, زیارت کہاں واقع ہے؟ صوبے میں. اصل سوال یہ تھا, میں نے وہ صوبہ, لیکن ٹھیک, چلو صوبہ بتا دو. کس صوبے میں واقع ہے بھائی وسیم؟ بہت آسان سوال, ٹو مچ. اگر ان کو نہیں پتا نا تو یہ بھی کینسل کرو, تو پچھلے دس نمبر بھی کاٹ دیں فوراً. کینسل جناب, آڈینس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہونے والا ہے جی. سندھ میں. کبھی آپ نے کبھی اپنے بزرگوں کی زیارت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ یہ زیارت تو میں نے خود بتا دیا. اچھا اچھا, اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ زیارت ہے, صرف صبح بتا دیں. اچھا, تو بھی انہوں نے سندھ کر دیا. او میرے, کہاں ہے جی بتائیے, ویسے بتائیے. بلوچستان میں ہے جی زیارت ریزیڈنسی, کوئٹہ کے پاس. جواب ہو گیا غلط. شاعر مشرق علامہ اقبال پیدا ہوئے سیالکوٹ میں. علامہ اقبال کے علاوہ ایک اور مشہور شاعر بھی سیالکوٹ میں ہی پیدا ہوئے, کون؟ اقبال کے علاوہ ایک اور مشہور شاعر جن کی پیدائش ہے سیالکوٹ کی, جناب باجی ہنا اور باجی حفصہ میں مشورہ جاری ہے.
बाजी हफ्जा कॉन्फिडेंट है, बाजी हिना मुस्कुरा रही है, हफ्जा कह रही है तुम बताओ, हिना कह रही है नहीं तुम बताओ, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह जल्दी बताएं वरना काउंट डाउन शुरू हो जाएगा। काउंट डाउन बिगिंस, फाइव। किसी शायर का नाम लो जरा, किसी शायर का नाम बंदा तुक्का ही लगा देता है, शायद सही हो जाए कोई शायर। अगर आप कहती तो क्या कहती बताएं, बाजी हिना बाजी हफ्सा से, किसी शायर बाजी हफ्सा बाजी हिना से, सरफराज अहमद है, सरफराज अहमद वो जो क्रिकेट प्लेयर है, सरफराज अहमद, सरफराज नवाज, सरफराज नवाज, फिर फैज अहमद फैज। अच्छा वो सरफराज अहमद फैज अहमद फैज वो मिक्स हो गया। अगर आप ये तुक्का जो आपने तो अपने तौर पे मारा था ये काउंट डाउन से पहले मार देते आपका क्या जाता, इसलिए कि ये जवाब ठीक है, लेकिन मैं गेम्स रूल के तहत पाबंद हूं कि काउंट डाउन के बाद जवाब नहीं दिया जा सकता, तो आपका ये जवाब हो गया गलत। और हम आपसे कहते रहे तुक्का मार दें, तीन में से आप एक सवाल का जवाब दे पाई हैं, ठीक है जनाब। अगले तीन सवाल थे टीम बी से, बाजी जवेरिया और बाजी सोबिया से। अबुल बशर किसे कहा जाता है, चले तो इतना आसान सवाल जरा आगे का था, मुश्किल था, मैंने इसको यहीं पे रोक लिया। अबुल बशर किसे कहते हैं, दिखाना उसे, हजरत आदम अलैहि सलाम। अबुल बशर हजरत आदम अलैहि सलाम को कहा जाता है, गुड। अबुल अरब किसे कहते हैं, ध्यान से इसका जवाब भी आता है आपको, बाजियों में मशवरा जारी। चलो एक एक हिंट देता हूँ कि नबी है। ठीक है बता देंगे यार ऐसे ही जुनैद भाई, नहीं पता नहीं इनको नहीं पता चले। अच्छा हाँ मेरा नहीं ख्याल इनके पास जवाब होगा, तुम्हें मालूम है, अभी पूछूंगा तुमसे अभी नहीं बताना। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम। आहा गलत हो गया जवाब, अबुल अरब हजरत इस्माईल को कहा जाता है, जवाब हो गया गलत। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी का नाम ISI है, ISI किन अल्फाज का मुखफ्फ है, खतरनाक सवाल। अरे ये तो आता होगा, अस्करी नौयत का सवाल, हसास उमूर पर बाजी जवेरिया और बाजी सोबिया का आला सतही इजलास जारी है। नहीं एक दूसरे को देख रहे हैं, बोल नहीं रहे एक दूसरे से, क्योंकि ISI का मामला है। कोई जवाब देने को तैयार नहीं, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। बाजी जवेरिया इंतहाई संजीदगी से बाजी सोबिया से देखते हैं। पहले आई का बता दूं, इंटर यार, इंटर हमें भी आ रहा है, इंटर हमें भी आ रहा है, उन आराम है। अच्छा इंटर तुम्हें भी आता है, इंटर इन्हें भी आता है, अब है आराम है आपको कुछ तसल्ली हुई। हाँ इंटर सर्विसेज इन्वेस्टिगेशन, इंटर सर्विसेज, इंटर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन, इंटर सर्विसेज। चले मैं आपको इतनी हिंट दे रहा हूँ, इंटर सर्विसेज तक ठीक है, बता दीजिए आई से क्या आता है, आखिरी चांस बता दीजिए। दो वर्ड बता सकती हूँ जी, दो वर्ड बता, चलो बताओ दो वर्ड बताओ क्या हो रहे हैं, चलो बताओ बताओ बताओ, इंटेलिजेंस या इन्वेस्टिगेशन, एक बताएं, एक बताएं क्या, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस या इन्वेस्टिगेशन, हाँ कौन सा है बताएं जल्दी, इंटेलिजेंस सोच लें। अरे वसीम चलो अब तो यार इतना तो कर दो, इनके लिए बहुत ही मुश्किल था। आपसे दो सवाल किए मैंने, तीसरा सवाल है, ये तो बड़ा आसान सवाल है, है जी तीन सवाल है, दो गए पक्की बात है, जी जी हो गए, तो मुझे बताया ना, मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ, आप कह रही हैं जी दो सवाल हो गए, आप कह रहे हैं जी दो, तीन सवाल हो गए, तो आपने दिए, पहली टीम ने दिए तीन में से एक सवाल का जवाब, थैंक यू जी, और दूसरी टीम ने दिए हैं तीन में से दो सवाल के जवाब, आपके नंबर हो गए हैं 20। जनाब अली तीसरा इस पहले राउंड का, चलो शाबाश, तीसरा सेगमेंट जो भी कह लें आपके लिए। दो दिन कबल या कुछ रोज कबल कह लीजिए, एक मुल्क की क्रिकेट टीम ने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतकर इंडिया से एक रिकॉर्ड छीन लिया। पाकिस्तान, पाकिस्तान की टीम ने सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस जीतकर एशियन टाइगर इंडिया से यह रिकॉर्ड छीनकर अपने नाम कर लिया। श्रीलंका से गोल्ड टेस्ट जीतकर पाकिस्तान ने यह रिकॉर्ड बनाया था। अजीब, पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है वो उसमें प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट, इसको कहते हैं पार्लियामान, तो सेनेट को अपर हाउस भी कहा जाता है। ये बताइए कि अमेरिका का जो पार्लियामान है यानी कि कांग्रेस, उसके अपर हाउस को क्या कहते हैं, मासूमाना सवाल है बहुत। अमरीकी पार्लियामान यानी कि कांग्रेस के हाउस ऑफ लॉर्ड्स,
हाउस ऑफ लॉर्ड्स का अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो हाउस ऑफ अमरीकी पार्लियामान यानी कांग्रेस के ऐवान बाला को भी सेनेट ही कहा जाता है। ये हो गए दो सवाल। वसीम भाई ने ना कंफ्यूज ऐसा किया आपने कि मैंने कंफ्यूज किया, मैंने तो सवाल पूछे ऐसे। ये होता ही कंफ्यूजिंग है बेटा, ये होता ही कंफ्यूजिंग है। इल्जाम नहीं, इल्जाम मुझ पर धांधली का इल्जाम है। टफ, दूसरों के सवाल आते हैं अपने नहीं आते इसमें। हाँ है ना। चलो तीसरा सवाल बहुत आसान आ गया आप पर। पाक फौज पाकिस्तान के कबाइली इलाकों में दरिंदा सिफत दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ है। ऑपरेशन का नाम ज़र्बे अज़्म। इससे आसान सवाल हो सकता है? ऑपरेशन ज़र्बे अज़्म, बिल्कुल ठीक। तो पहले राउंड के अख्तिताम पर टीम ए के हैं 10 नंबर्स, जबकि टीम बी और टीम सी के दरमियान मुकाबला बराबर है 20-20 नंबर्स लेकर। जनाबे अली, दूसरा राउंड जो है इसमें मैं आगाज करूंगा अगेन टीम ए आपसे। कर लूं आपसे आगाज? कोई इतराज तो नहीं? मेरी हमदर्दियां वैसे इसी टीम से हैं। जिस सेगमेंट को आप बताएंगी, जिस शोबे का आप बताएंगी, मैं उससे आपसे करूंगा सवालात। वो जनरल नॉलेज भी हो सकता है, वो स्पोर्ट्स भी हो सकता है।